जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम पाकिस्तानीज इन पुर्तगाल में। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में पोस्ट लगाई थी कि बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे आजकल पुर्तगाल में स्पेशली जो हालात चल रहे हैं, तो कुछ ये COVID-19 की वजह से और कुछ वैसे ही पुर्तगाल में आपको पता है जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज अगर आप बाकी यूरोप की निस्बत कंपेयर करें तो यहाँ पे रोजगार के इतने ज्यादा मौके नहीं है, शायद कुछ लोग ये समझते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने लास्ट भी अपने दो चार वीडियो सेशन में आप सबको बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़े अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी सिलसिले में आज हमने उसी कोशिश को जारी रखते हुए, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वंडरफुल टॉपिक का, बस कोशिश यही करते हैं कि आप सब लोगों के लिए हम किसी तरह जो भी थोड़ी बहुत यही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम खुद तो यानी आपको किसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं दे सकते लेकिन कम से कम रास्ता जरूर दिखा सकते हैं, तो यही हमारी कोशिश है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी ये नाम नहीं नजर आ रहा यहाँ पे सिर्फ क्योंकि ये लिखा हुआ है वंडरफुल टॉपिक। मैं इधर से देखता हूँ ये कौन है जिन्होंने, अच्छा ये अली सुहेल विर्क साहब है। बहुत शुक्रिया सर आपके कमेंट का। तो मैं यही कह रहा था कि ये रोजगार के हवाले से जो हमारे पाकिस्तानी भाई जिनकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो कोई खुद का कोई जाती बिजनेस कर सके, तो उसी ख्याल को जेन में रखते हुए आज मैंने यहाँ पे ऊबर ईट्स ग्लोवो और ऊबर ड्राइवर पे हम किस तरह काम कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए, तो इस सिलसिले में मैंने दावत दी है हमारे पोर्टो से मोहतरम जनाब उस्मान चौधरी साहब, ये हैं, और इनके साथ बैठे हैं जनाब राणा यूसुफ बख्तियार साहब। इन्होंने हमें पोर्टो से ज्वाइन किया, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई इसी फील्ड से वाबस्ता हैं। और दूसरे हमारे भाई लिस्बन में मौजूद हैं इस टाइम उमेर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी उस्मान चौधरी साहब, राणा यूसुफ बख्तियार साहब और मोहम्मद उमेर साहब, आप दोस्तों को सलाम और वेलकम पाकिस्तानी जिन पुर्तगाल में और तमाम देखने वाले दोस्तों को भी। तो पहले तो ये बताएं कि आप कौन कौन से शहर से हैं, थोड़ा सा तारफ करवा दें ताकि ग्रुप में जो दोस्त आप सबको देख रहे हैं। तो मैं उस्मान साहब आपसे शुरू करूंगा, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कब आए हैं यहाँ पे पुर्तगाल में और पाकिस्तान में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं आप? अजीज भाई, मुझे पुर्तगाल तकरीबन 2 साल हो गए और पाकिस्तान में लाहौर से, चीचावतनी साहिवाल बेसिकली, तो अभी इधर आए तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं। जी राणा साहब। मैं जी 2018 जुलाई में आया था और फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, वैसे जो गांव है वो पाकपतन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उमेर साहब आप भी थोड़ा सा अपना प्लीज तारफ करवा दें। जी भाई, मेरा ताल्लुक जो है शेखुपुरा से है और मुझे इधर पुर्तगाल में तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मैं 2018 में आया था इधर। अच्छा, ग्रुप के तमाम दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी का बायस था, मुझे ये पता था कि अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड हो तो तब ही आप ये ऊबर ईट्स और ग्लोवो की ऐप पे काम कर सकते हैं, लेकिन उस्मान साहब ने मुझे बताया कि ऐसे दोस्त जिनके पास अभी कार्ड भी नहीं है वो ग्लोवो की ऐप पे काम कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपका आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना ही काफी है। तो ये उन तमाम दोस्तों के लिए जो यहाँ पे पेपर के सिलसिला में पुर्तगाल आते हैं और बाद में वो सोचते रहते हैं कि जी मेरे पास जब ये रेजिडेंस कार्ड आएगा शायद तब ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिले या कोई अच्छा मैं काम शुरू कर सकूं, तो ये उस्मान साहब ने बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन दी है। तो उमेर साहब, मैं सर आपसे पूछना ये चाहूंगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये ऊबर ईट पे या ग्लोवो पे काम करने के लिए इसका ये हम स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? भाई इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको एक तो एक्टिविटी ओपन करनी होती फाइनेंस में, 53200 कोड है उसका, और उसमें एक्टिविटी ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने एक्टिविटी खोलने के लिए आर्टिकल 53 वाली एक्टिविटी नहीं खोलनी, उसके लिए ट्राइबेंसल नॉर्मल एक एक्टिविटी है वो खोलनी है अंदर जाके,
वो उसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड चाहिए उबर ईट के लिए, सर ये जरा और दोबारा आपका एक्टिविटी एक्टिविटी जरा बता दें आप प्लीज दोबारा। एक्टिविटी का कोड है भाई 53200। ये कोरियर की एक्टिविटी है, फाइनेंस में जो भी कोरियर सर्विसेज है उसके लिए खोली जाती है। तो तो ये फाइव एक्टिविटी थ्री टू खुलाने के डबल लिए जीरो हमें किसी कोड है। अकाउंटेंट की जरूरत है या हम डायरेक्टली फिनांस से जाके नहीं, भी खुलवा आप सकते हैं? डायरेक्टली फाइनेंस के ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप इनकम कितनी है तकरीबन आपकी होगी ना, वो इस हिसाब से खोलते हैं। तो अगर आप उसको 1000 के अराउंड अराउंड बताएंगे कि इतनी इनकम है आपकी, तो वो डेफिनेटली आपकी वो नॉर्मल ट्राइमेंशल खोल देंगे एक्टिविटी, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो आप दूसरी एक्टिविटी खोलेंगे आर्टिकल 53 वाली, वो ऊबर एक्सेप्ट नहीं करती, फिर आपको दोबारा जाके चेंज करनी पड़ेगी, तो वो टाइम ज्यादा लग जाता है उस पर। तो सर ये जो आप 1000 यूरो बता रहे हैं कि हमने फिनांसर्स को बताना है, तो ये फूड डिलीवरी की ऐप पे काम करके हम 1000 यूरो पुर्तगाल में बना सकते हैं? भाई इससे ज्यादा भी बन जाते हैं अगर आप प्रॉपर काम करें तो। 1000 यूरो पुर्तगाल में एक रहते हुए हजार जनाब 635 नॉर्मल 1000 तो नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है ये? जी, ये कोई इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है उबर रेट के हिसाब से। 1000 यूरो पुर्तगाल में रहते हुए मिनिमम सैलरी जहाँ पे ये 635 या 650 चल रही है, यानी दिन का तकरीबन आप बता रहे हैं कि कोई हम कोई 50-60 यूरो बना सकते हैं आसानी से। सर हाँ जी तकरीबन। आप मुझे भी बता देते, मैं तो 25 यूरो पे किसी रेस्टोरेंट पे काम करता रहा हूँ दिन भाई आप मिले नहीं ना, पहले निकल गए मेरे में। अच्छा पहले उस्मान भाई, चौधरी उसने साहब, आप काफी मुझे ये मेहनत। प्लीज बताइए, ये इन्होंने बता दिया कि हमें ये ऊबर ईट्स ज्वाइन करने के लिए 53200 ये एक्टिविटी जो है ये फिनांसर्स में ओपन करवानी पड़ती है, तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ये फिनांसर्स में एक्टिविटी तो खुल गई, और उसके देखिए बाद मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कि मैं ये इस ऐप के साथ रजिस्टर्ड हो जाऊं? दिल भाई, इसके अलावा जो बाहर से अरेंज करने वाला डॉक्यूमेंट है उसमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है जो लोकल यहाँ से पोर्चुगीज का बनता है, ठीक है? और इसके अलावा आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? जब ये सर सारी ये जो चीजें, सॉरी बैंक अकाउंट जो है ये किसी कंपनी के नाम पे होना चाहिए या इंडिविजुअल अकाउंट भी हो वो भी चल जाएगा? बेटर ये है कि आप जब एक्टिविटी ओपन करवा लें, आप अपनी उस एक्टिविटी के बेस पे अपना नया बैंक अकाउंट खुलवाएं, इम्प्रेसा अकाउंट उसको बोलते हैं, ठीक है? अगर तो आपने वो नहीं खुलवाना तो आपके नॉर्मल अकाउंट में भी वो भी चल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिट, जो बैंकिंग बेनिफिट्स आपने लेने हैं उसके लिए अगर आप अपना इम्प्रेसा अकाउंट खुलवाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सही है। तो यानी 53200 एक्टिविटी खुला के फिनांसर्स में हम वो एक्टिविटी वाला पेपर, फिनांसर्स वाला, वो हम अपने बैंक चले जाएं और उन्हें कहें जी ये मैंने एक्टिविटी खुलाई है तो इस पे मेरा अकाउंट खोल दें आप। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सही वो है। एक तो ही उस अकाउंट जाएगा, वो अकाउंट खुलवाने के लिए पैसे कितने रिक्वायर्ड हैं? वो डिफरेंट बैंक्स में आपने जो इनिशियल डिपॉजिट, कोई बैंक 0 अमाउंट पे खोल देता है, कोई बैंक 250 पे खोलता है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो तो आपके अकाउंट में बैलेंस ही आ जाना ना उतने पैसे, सही है। फीस कोई नहीं। चले सर, ये एक तो रजिस्टर क्रिमिनल हो गया हमारा पीसीसी पुर्तगाल का, और साथ में बैंक एक अकाउंट हो गया। छोटी सॉरी सी जी बात, छोटी सी बात, जी रजिस्ट्रो क्रिमिनल में भी ना लिखवाना है आपने के फॉर ऊबर ईट्स जब आप अच्छा, इशू करेंगे। हाँ जी, यानी वो जब हमने केवाईसी, ये जो हम रजिस्टर क्रिमिनल लेते हैं जाके, तो उन्हें ये बताना है कि ये इसका पर्पस क्या है। ऊबर, हाँ जी, ऊबर ईट्स या ऊबर ड्राइव या व्हाट्सो जी एवर। ऊबर ड्राइवर या ऊबर ईट्स। हाँ जी जी अच्छा जी, तो ये पीसीसी हो गई, ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया, और इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं? उसके अलावा अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अगर है तो, और आपकी पिक्चर एक वाजिया क्लियर पिक्चर, और उसके अलावा आपका रेजिडेंट कार्ड, और अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है किया है तो फिर मोटरसाइकिल के कागज, मोटरसाइकिल की यहाँ पे जो ग्रीन सर्टिफिकेट मैट्रिकुला जिसको कहते हैं वो चलता है, वो उसकी फ्रंट और बैक और उसी मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस वैलिड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसके अच्छा, अलावा सपोज जिन दोस्तों के पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी आपको पता है ये ड्राइविंग लाइसेंस तो आप पोर्टुगीज ड्राइविंग लाइसेंस तो आप तब ही बनवा सकते हैं जब आपके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड हो। जी तो मैं तो जाहिर है जब यहाँ पे अभी मेरे पिताजी
पेपर नहीं बने तो मैं तो फिर वो साइकिल वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। नहीं अदील भाई यहाँ पे आ गए कि उसके पेपर लिए नहीं करे तो फिर तो आपकी ऊबर की आईडी भी नहीं बनी ना, अच्छा जी, तो इसलिए फिर आप ग्लोबो पे जाएंगे। हाँ अच्छा ग्लोबो पे। अच्छा जी, फिर वो आपका बाईसाइकिल अकाउंट ओपन होगा और उसमें आप वो बाईसाइकिल यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यूज कर सकते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रिक उसके लिए ये जो आप इलेक्ट्रिक बता रहे हैं, इसके लिए मुझे लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड। नहीं, इसके लिए लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे दोस्तों का भला हो जाएगा जो लोग यही समझते हैं कि शायद वो ये ग्लोवो की ऐप पे तब ही काम कर सकते हैं जब उनके पास पुर्तगेजी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पुर्तगेजी रेजिडेंस कार्ड होगा। तो ये बहुत ज्यादा यानी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, जबरदस्त। तो क्योंकि काफी सारे दूसरा दोस्त वो रेजिडेंस कार्ड का इंतजार करते रहते हैं, फिर वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजार करते हैं कि ये कितने दिनों में बन के आएगा, तो इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये सर दूसरा भैया सारे मैं एक डॉक्यूमेंट आ बात गए तो सॉरी मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको कि अगर कोई जी बंदा जिसने लाइसेंस जमा करवाया हो ना, तो उसका लाइसेंस नहीं आ रहा, तो ये ऊबर ईट, ये आप गिया भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो पेपर अच्छा मिलता है ना, उस पे भी आपका काम चल जाता है। सही। ऊबर ईट में अगर आप करना चाहो तो आपका लाइसेंस अगर नहीं भी कार्ड आया तो आप उस पे भी वो अपलोड कर सकते हो पेपर, वो जो देते हैं IMTT वाले, तो उस पे भी ये आपको कुछ नहीं, मतलब अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आपका। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे अदर शाह साहब है वो पूछ रहे हैं जी, ये जो 1,000 यूरो हमने फिनांसर्स को बताना है तो इसको बताने की क्या जरूरत है, यानी इसके पीछे सीक्रेट क्या है? भाई ऊबर ईट में वो आपको कहते हैं कि आपने 23% ईवा पे करना है, तो 23% ईवा आपने पे करने के लिए जो एक्टिविटी होती है उसमें वो 8,000 समथिंग, 8,000-9,000 या 850 इस तरह के ना अमाउंट होती है, उसके ऊपर की जब आप बताते हैं इनकम तो फिर वो एक्टिविटी खोलते हैं आपकी जिसमें आप ईवा पे कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है उनकी। अगर आप जी कम वाली बताएंगे उसमें ईवा पे करने की रिक्वायर नहीं होती, आपको जरूरत नहीं होती, तो जब ये अमाउंट आप बताते हैं फिर वो एक्टिविटी आपकी खोल के देते हैं ट्राइमेंशन नॉर्मल, उसमें आप ईवा पे कर सकते हैं। अगर ईवा के बगैर आप एक्टिविटी को ओपन करेंगे तो ऊबर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, तो सही है। इसमें आपने ईवा डेफिनेटली पे करना ही होता है। इसका ना दीप भाई एक्टिविटी पे ना मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक्टिविटी का जो लॉ है ना, वो आपने इंडिविजुअल जाके फाइनेंस ऑफिस में कहना है कि मैंने एक्टिविटी बिजनेस अपना शुरू करना है, तो उन्होंने आपसे एक ऑप्शन पूछना है कि या आप कितना काम कर सकते हैं। उन्होंने लिमिट दी हुई है कि अगर तो आप 7,800 से कम काम करते हैं आपको लगता है ठीक है, तो फिर आपके आपकी जिम्मेदारी नहीं है ईवा जमा करवाना हर 3 महीने बाद, ठीक है, फिर वो उसमें आर्टिकल 58 वाली खोल देते हैं। लेकिन अगर क्योंकि ऊबर में ये रिक्वायरमेंट है, उनको भी पता है कि आपने 7,800 की कमाने की लिमिट क्रॉस कर लेनी है साल में, इसलिए ऊबर वाले जो हैं वो एक्सेप्ट ही वो एक्टिविटी करते हैं जो इससे अपर लिमिट की ओपन करवाई जाए, ठीक है। तो वो कोशिश करके, मैं तो जिसकी भी एक्टिविटी ओपन करवाता हूँ तो वो उसको उधर यही लिखवाते हैं कि 10,000 जो है ना वो एनुअल इनकम वाली एक्टिविटी जो है वो हमारी ओपन कर दें, तो वो इस वजह से फिर काफी वो फिर एरर नहीं आता कोई भी ना, ऊबर वाले भी आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक ना टेम्पलेट जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे एक्टिविटी का, जो मेन इसमें चेक करने वाली चीज है, ताकि वो सबको फिर आसानी हो जाएगी उससे। अच्छा, ये वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ ये इसकी अकाउंट एक्टिवेशन की तरफ। और लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कोरोना वायरस और COVID-19 की वजह से हर बंदे का काम ठप है, तो आप लोग भी अपने घरों में बैठे हैं या कोई आपका थोड़ा बहुत काम चल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो बल्कि कोरोना की वजह से जो ऊबर ईट है ये तो बहुत बूस्ट हुआ है काम ना, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि तो देखिए हर जबरदस्त। बंदा घर में बैठा था ना, वो कोई निकल नहीं रहा डर के मारे, वो ऊबर ईट के जो ऑर्डर मंगवा रहे हैं। फिलहाल तो ऊबर ईट जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर ड्राइव भी ठीक है लेकिन जो करंट टाइम पे जा रही है ऊबर ईट बहुत ऊपर जा रही है। हम घर नहीं बैठे बिल्कुल काम कर रहे हैं, डेली 100 यूरो, 100+, वीकेंड पे 100+ जो है वो करके आते हैं। ये मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो है ना हफ्ते में वीक में काम करता हूँ 98 और 192, ठीक है, मैं 100+ लेकर करके घर आता हूँ, ठीक है, मतलब काम जो है अभी बहुत ऊपर जा रहा है अभी फिलहाल जो है। वैसे भी अगर रूटीन में भी देखें उसके बाद भी अगर ये कोरोना वायरस ना भी हो उससे पीछे भी चले जाए तो 100 तो डेली बंदा कर जाता है, अब काम करने वाला हो डेली 12 से 14 घंटे काम करता हो।
यूसुफ भाई, हम तो बड़े परेशान थे कि यहाँ पे हम समझ रहे थे कि हर बंदा ही घर पे बैठा है और सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो और हम बाहर निकल के कोई काम ढूंढें, कोई काम करें, कोई दिहाड़ी शिहाड़ी हम भी लगाएं। तो आप तो सर बता रहे हैं कि माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल जरूरत नहीं है घर बैठने की। ऊबर आपको मास्क प्रोवाइड कर रहा है खुद से, फ्री दे रहा है। जी, ऊबर जबरदस्त। आपको वो सैनिटाइजर दे रहा है खुद से, फ्री दे रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं इनको यूज करें, बकायदा ऊबर के मैसेजेस आते हैं कि जो है डिस्टेंस रखें, ये मास्क यूज करें, वो आपको गाइड भी साथ साथ करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि घर बैठने की जरूरत है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन अकाउंट खोलें, आपका ऑनलाइन खुल जाएगा, क्योंकि आजकल ऑफिस बंद है तो सब जी कुछ जी ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, ये ग्रुप में माशाल्लाह इतने सारे लोग हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगर आप में से कोई दोस्त हमें वीडियो पे भी ज्वाइन करना चाहता है तो वेलकम आपको। असद मजीद साहब ने लिखा, जी ऊबर ईट्स डॉक्यूमेंट्स 53200 एक्टिविटी कोड इन फिनांसेस, डोंट ओपन आर्टिकल 53 एक्टिविटी। तो ये भी यही कह रहे हैं जो ये अभी उमेर साहब बता रहे थे कि 53 की एक्टिविटी में आपने बिल्कुल ये वाली एक्टिविटी नहीं ओपन करनी अपनी फिनांसेस में। और नीचे उन्होंने लिखा, जी बेटर टू गेट इंप्रेजा बैंक अकाउंट विद एक्टिविटी पेपर, नीड क्रिमिनल फॉर उबर इट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, रेजिडेंस कार्ड, मोटरसाइकिल डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरेंस। तो ये मेरा ख्याल उन्होंने सारी ये डॉक्यूमेंट की तफसील लिखी है। तो जो भी ये दोस्त अगर इसमें इंटरेस्टेड हों तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें। तो सर, ये आप में से तीनों में से कोई भी दोस्त नेक्स्ट प्रोसीजर बता दें। मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो नेक्स्ट मैंने आगे क्या करना है? जी, मैं इसमें ना uber.com पे जाके वहाँ पे अपनी अपनी आईडी रजिस्टर करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर उबर आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो और उसमें ये होता है कि कई लोग जो टेंशन ले रहे होते हैं कि स्कैन करवाना है डॉक्यूमेंट, ऐसे ये वो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल से मोबाइल से पिक्चर खींच के अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें तो वो आराम से एक्सेप्ट हो जाते हैं। वो चीज इतना इशू नहीं है। तो सपोज अगर मैं आजकल ये सारे डॉक्यूमेंट, ऑफिसेज वगैरह तो हर जगह ये बंद हैं, तो मैंने ये बिल्कुल अपनी आईडी रजिस्टर्ड करनी है तो घर बैठे ये हो जाएगी? जी, बिल्कुल हो जाएगी। आप अपने मोबाइल से ही ऐप इंस्टॉल करें, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होता है, वो करें। उसके बाद 24 से 48 आवर्स में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के आगे एक्टिव एक्टिव लिख के आ जाएगा, ठीक है। सही। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके जब एक्टिव हो जाएं, तो फिर आजकल के मुताबिक एक लिंक चैट का अवेलेबल है, वो भी शेयर कर देंगे। उस चैट पे बात करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जब वो आपकी चैट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको ऊपर एक ईमेल करेगी 24 से 48 आवर्स में कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है, आप जाके ऑनलाइन हो सकते हैं। तो ये एक तो ये सिंपल सा अकाउंट का प्रोसेस ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मली कितने दिन का है। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन ये तकरीबन 4 दिन लग जाते हैं, 4 से 5 दिन लग जाते है? यानी अगर मैं आज ये सारा प्रोसेस शुरू करूं, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 4 से 5 दिन में हैं। मैं जी अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं? सही बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा काम। ये है। तो बैग होता था ना, ऊपर के ऑफिस ले जाना हाँ होता जी, था, अब तो बैग भी ऑनलाइन आ जाता है घर पे। जी और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैग आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। 53 यूरो का बैग है, 43 डिफरेंट प्राइस है। आपके पास सही पैसे है, नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। सही है। अच्छा, ये यहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने लिखा है जी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी उबर ईट्स आईडी है बट बाइक मेरे नाम पे नहीं है, किसी और दोस्त का है, इसके क्या क्या होगा, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कोई मसला नहीं है, वो बाइक के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सही है। इंश्योरेंस वो ये मैटर नहीं करता, मतलब आप जिसके नाम पे भी बाइक है आप अपलोड कर सकते हैं। एक मतलब वो ये ऊबर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम नाम पे होना चाहिए। सही है। अच्छा, ये थोड़ी सी मुझे मजीद इंफॉर्मेशन दें। ये कुछ जगहों पे मैंने सुना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप फौरी तौर पे आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए और आप पहले दिन से काम शुरू कर दें, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये ऐसे ही है बड़े शहरों में ऐसे है या? जिस वजह से कभी कभार हो जाता है कि कहीं पर कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो इस वजह से भी वो ऑन होल्ड कर देते हैं। जैसे अभी कोरोना की वजह से भी कुछ शहरों में अभी ऑन होल्ड है, ठीक है। तो वो जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर दोबारा से अकाउंट बनने शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर परमानेंट क्लोजर नहीं है कोई।
कुछ डिपेंड खास करता है, अगर चीजें। उन वर्क की डिमांड पे डिपेंड करता है। सम टाइम वो कोई 1-2 महीने के लिए ब्रेक लगा देते हैं बीच में ना, नए बंदे नहीं वो लेते, फिर नए अकाउंट एक्टिवेट नहीं करते, लेकिन ये बाद में 1-2 महीने का गैप आता है, बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई नहीं डिफरेंस। मेहर भाई वो गैप भी सिटी वाइज ही आता है ना, मतलब आज सिटी की डेट वाइज में आता है। हाँ जी अभी कोर्टो में अगर आज पाबंदी है तो ये स्पिनियो में इस टाइम वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन होने पे 5 यूरो पर घंटा आपको मिलेगा। इवन लिस्बन के टोरेस वेदर स्पिनाल वाली भी साइट पे नई जगह पे एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उधर बंदे उनको चाहिए वो बिल्कुल मांग रहे हैं। लिस्बन में अभी वो थोड़ा उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अराउंड सराउंडिंग में जो है वो चल रहा है, वो बंदे हायर कर रहे हैं, उसका कोई नहीं डिफरेंस हो जाता है। जी ज्यादा से ज्यादा कोई 10-15 दिन महीने का गैप आता है, लेकिन वो बंद नहीं होता काम ये। अच्छा, ये ग्रुप में हामी साहब हैं, ये कह रहे हैं जी कि मेरे पास बी कैटेगरी लाइसेंस है बट मोटरसाइकिल का नहीं है और टीवीडी के कोर्स भी बंद है, मैं और क्या काम कर सकता हूँ, प्लीज सजेस्ट। भाई ये बी कैटेगरी लाइसेंस जो है ना, उस पे आप 125 cc से नीचे की मोटरसाइकिल चला सकते हैं, इवन 125 cc भी चला सकते हैं। कैटेगरी बी जो कार का लाइसेंस है, उस पे आपको मोटरसाइकिल का अगर ना भी ऐड हो तो 125 cc तक स्कूटर मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। ये पूरे यूरोप का कानून है, जी कि पूरे यूरोप में कहीं भी आप जाते हो 125 cc तक आप चला सकते हो कार के लाइसेंस पे। अच्छा उस्मान साहब, यहाँ पे किसी और दोस्त ने लिखा था, वो कह रहे थे कि जी ये ग्लोवो का थोड़ा प्रोसेस बता दें क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके लिए ये पोर्टुगीज रेजिडेंस कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा प्लीज खुद बता दें ये कैसे प्रोसेस करते हैं। ग्लोवो की जो मेन वेबसाइट है glovo.pt पे जाएं, ठीक है, तो उधर से आप वो उनका ऑप्शन आ रहा होगा ड्राइव विद ग्लोवो का। सर थोड़ा सा लाउड बोलें थोड़ा सा, क्योंकि आप दूर हैं शायद। जी, मैं कह रहा था कि ग्लोवो की जो ग्लोवर्स की जो ऐप है उसका लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, तो उस पे जाके आप रजिस्टर करें, तो उसके बाद वो आपसे बड़ा ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं। पहले ईमेल मांगेंगे, फिर ये जो डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए वो मांगेंगे, और उसके बाद वो आपसे एड्रेस वगैरह, बैंक अकाउंट की डिटेल सारी वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको फिर राइट अवे जो है वो बता देंगे कि इसको, ये आपके डॉक्यूमेंट्स सारे हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इसको जो है वो अब फर्दर जो है हम आपको ईमेल कर देंगे। वो नॉर्मली तो ईमेल 1-2 दिन में आ जाती है, ठीक है, वो इशू नहीं है इतना। जी ग्रुप में बैठे तमाम दोस्त, अगर आप में से कोई और भी आप किसी भी टॉपिक के हवाले से या ऐसी टॉपिक के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मैसेज भी कर सकते हैं, और इधर अगर आप कैमरा पे आके कोई बात करनी चाहते हैं तो आप उसके लिए भी वेलकम है। और अली रजा साहब कह रहे हैं जी, एनी सजेशन वेयर वी बाई ए बाइक ऑन इंस्टॉलमेंट और एनी साइट वेयर वी बाय यूज बाइक। तो ये मैं इसी टॉपिक की तरफ आ रहा था, ये जो अभी अली रजा साहब ने पूछा है, तो सर ये मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बाइक वगैरह खरीद सकूं, भले वो बाइसिकल है या मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, तो ये भी थोड़ा सा बता दें, ये इसका क्या प्रोसेस होता है, ये लोग किस तरह कोई हायर करते हैं या खुद की ही लेना जरूरी है। अदील भाई उसमें जी जो है, सॉरी बताएं आप, बता रहे बोलो, हैं जी अच्छा, बोले बोले आप भाई बोले ना। इसमें बाइक जो है वो अगर आपके पास तो पैसे हैं 1000 से 1500 यूरो तक, तो इस रेंज में जो अच्छी बाइक आपको मिल जाती है, 1000 से 1500 में जी रेंज तकरीबन ये है, क्योंकि काम करना है वो बिल्कुल कोई हल्की बाइक ना ले, जी। वो तंग करती है, फिर आपका नुकसान होता है उल्टा। तो ये जो बाइक है ये हम खरीदेंगे कहाँ से, कौन सी ऐसी जगह है, कोई वेबसाइट है या कोई शॉप्स वगैरह बनी हुई है? OLX शॉप्स तो जाहिर है लिस्बन में भी काफ़ी हैं, इधर पुर्तगाल में भी हैं, OLX पे मिल जाती हैं सस्ती बाइक, फेसबुक मार्केट प्लेस मिल जाती हैं बाइक ना, तो और 1000 से 1500। इसके अलावा कोई कंपनी की भी कोई वेबसाइट ऐसी है, यानी जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें यही पता है जी, मैं तो होंडा ही लासा, तो यहाँ पे भी कोई होंडा ही जी लासा है या कुछ और भी है उसके अलावा? इतने जी मैं तो भाई रिकमेंड करता ना बाइक, वो तो 125 ही है होंडा दी ना PCX। PCX हाँ जी, वो रिकमेंडेड बाइक है, काम भी घट कर दी है, ऑयल पेट्रोल भी घट यूज कर दी तो इसकी है। प्राइस क्या है जनाब?
ये भाई तकरीबन अच्छी जो मिल जाती है 1500 में ना। 1500 में। ये आप यूज्ड यूज बाइक की बात कर रहे हैं या नई बाइक की बात कर रहे हैं? भाई नहीं, ये 3300 में मिलेगी आपको, 3300 यूरो में। 3300 जी नहीं, हाँ जी। तो आप रिकमेंड करते हैं कि ये बंदा यूज ले ले? अभी नई की तो बात अच्छी होती है, लेकिन अगर लोग शुरू करना चाहते हैं, उनकी तबीयत के मुताबिक काम बैठता है तो वो नहीं ले लें, और अगर नहीं बैठता तो फिर वो बेटर है कि पहले यूज ले लें, या उससे भी बेटर है कि पहले रेंट पे ले लें। सही है। तो जिसके जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो ये आप बता रहे हैं कि जी समझ लें 2000 या 3000 की बाइक ले, तो उसका कोई और भी कोई शॉर्टकट है, कोई और तरीका इसका? उसके लिए फिर बेटर है कि वो बंदा जो है ना बाइक रेंट पे ले ले। रेंट पे जी सही, अप्रोक्सीमेट 50 यूरो पर वीक जो है वो मिल जाती है। तो कुछ लोग सिक्योरिटी लेते हैं, 100, 200, 300 यूरो सिक्योरिटी लेते हैं कुछ लोग, और कुछ नहीं भी लेते। तो सही है। बाइक जो है वो आराम से मिल जाती है रेंट पे, और 50 यूरो उसको एडवांस किराया देंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा, आपके पास अकाउंट अगर अपना। यानी मेरे पास सिर्फ ये एज ए गारंटी जिससे मैंने बाइक हायर करनी है वो 100, 200 या 300 यूरो ये होने चाहिए, तो मैं 50 यूरो वीकली पे रेंट पे लेके काम स्टार्ट कर सकता हूँ? सही है। मैं और बताऊंगा कि यहाँ पे आपने अगर आप नहीं ले रहे हैं या रेंट पे भी ले रहे हैं, तो आपने 1 to 5 लेनी है, वो ज्यादा बेहतर है। येलो नंबर प्लेट और व्हाइट नंबर प्लेट, उसका फर्क है। 50 cc जो है वो येलो है, जो 1 to 5 है वो है व्हाइट प्लेट वाली। हमें जो है वो अलाउ नहीं है हाईवे पे जाना, ठीक है। और ऊपर की जो राइड आती है हीट की, इसमें आपको 12-12 किलोमीटर की राइड भी आती है, हाईवे से जाना पड़ता है। तो जाहिर बात है येलो वाली प्लेट वाली तो बाइक जा नहीं सकती, फिर आपको वो चोर रस्तों से जाना पड़ेगा, वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये बेहतर है कि जो है वो ले आप 1 to 5। सही है। उसके अलावा ये हुंडा की हुंडा विजन 110 cc है, वो भी बाइक अच्छी है। वो भी अच्छी बाइक है, बिल्कुल अच्छी, वो भी अच्छी है। और उससे प्राइस का भी डिफरेंट तकरीबन 1000-1100-1200 की मिल जाती है यूज्ड, और अगर की नई भी लेना चाहे तो वो 2300-2400 की नई आती है। अभी तकरीबन 1000 का फर्क है PCX से उसका, लेकिन बाइक वो भी अच्छी है अगर कोई लेना चाहे तो। उमैर साहब, उस्मान साहब और यूसुफ साहब, मैं तो इस तरफ आ ही नहीं रहा कि जी ये मैं 1000-2000 की बाइक अफोर्ड कर सकूं। मैं तो वही पूछ रहा हूं कि जब एज ए बिगिनर मैं काम कर रहा हूं, तो ये कोई 100-250 में मेरा अगर काम शुरू होता हो तो इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल भाई, उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप रेंट में जो भी है, कोई भी ये जो स्कूटर रेंट है उनके पास जाए, उनको आप काम के लिए बताएंगे तो वो तकरीबन सबका सेम रेट है, 50-60 यूरो पर वीक पे मिल जाती हैं। इधर लिस्बन में भी जो भी स्कूटर रेंट पे देते हैं उनका सबका काम के लिए, अगर मंथ के लिए लेंगे तो सेम रेट है, चाहे आप किसी कंपनी यूरोप का आर के या किसी के पास चले जाएं तो सेम प्राइस है उनकी सबकी, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप उनको बोलेंगे कि काम के लिए लेना है तो आपको यही प्राइस मिलेगी सबके पास। बिल्कुल ऐसे। ये यही वो बाइक भी रेंट पे लेने के लिए मुझे ये ओलेक्स पे ही जाना पड़ेगा, या कोई मुझे ये कोई करीबी है जैसे पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड वगैरह, यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा? कहाँ से पूछूं मैं जाकर? नहीं, वो आप पिज़्ज़ा हट उसके लिए आप ये जो रेंट वाली कंपनी है ना, जैसे यूरोप कार है वो भी स्कूटर देती है रेंट पे, उनके पास वो मंथली बेस पे भी अगर आप ले सकते हैं, इसी तरह आप चेक करेंगे तो आपके हर सिटी में ही है। इधर लिस्बन में देखो स्कूटरिया है, LX स्कूटर है, LX रेंट, इस तरह की कई कंपनियां, बहुत ज्यादा कंपनियां है ना, उसके अलावा जो है देती है। पेज वगैरह सर्च करेंगे तो लोकल बंदों ने बहुत ने लगाई हुई है ना, लोकल बंदों ने भी लगाई हुई है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे। जब इधर चले जाए, मैं किसी भी अपने नजदीकी मैकडोनल्ड चले जाए, वहां पे ऊबर कर रहे होंगे लड़के ना, वो तकरीबन 50% ऑलरेडी उन्होंने रेंट पे लिया है। उनसे आप किसी से भी पूछ लेंगे, वो आपको नजदीकी आपके एरिया का मतलब सारा पता लग जाएगा, सब पता चल जाएगा उधर ही। तो यूरोप कार जो है वो लिस्बन में तो पता नहीं, पोर्टो में सेंटर में है या एयरपोर्ट पे है, आप उतनी दूर नहीं जाते। फिर यूरोप कार वालों का मुझे पता है वो अच्छा खासा कॉशन लेते हैं, डिपॉजिट अच्छा खासा लेते हैं, तो वो 300 समथिंग लेते हैं जी। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ना उसको, आप ये करें कि आप क्योंकि काम भी आपने वही करना है, नजदीकी मैकडोनल्ड चले जाएं, ठीक है। अक्सर लड़के वहीं पे आपको मिल जाएंगे जो उबर और ग्लोवो कर रहे हैं, ठीक है। उनसे किसी से पूछ लें, यार मैंने बाइक लेनी है रेंट पे तो कहाँ से मिल जाएगी,
वो आपको बिल्कुल नजदीकी ही कोई ना कोई बता देंगे कि यहाँ से मिल जाएगी। तो सर अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं पोर्टो आता हूँ, तो आप मुझे, आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है कोई गाड़ी की या बाइसिकल की या मोटरसाइकिल की, मुझे रेंट पे दे देंगे? नहीं नहीं आपको वैसे ही दे देंगे। वैसे वैसे सामान सही के पास ये काम करते हैं, इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है वैसे अगर देखा जाए। वो है। बाइक वगैरह तो मेरे पे पोर्टो में तो अवेलेबल है बाइक, किसी ने लेनी है गाड़ी गाड़ी भी लेनी हो, बाइक लेनी हो तो वो अवेलेबल है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं, यानी ये आप तीनों भाइयों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये जैसे मुझे उमेर साहब नजर आ रहे हैं, ये अभी गाड़ी में बैठे हैं, ऑफ कोर्स इन्होंने अपने काम पे होते हुए ये हम सब पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प के लिए अपना काम छोड़ के हमें ये गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप तीनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने ये प्रोग्राम खत्म कर दिया, ये अभी चल रहा है। लेकिन वही मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग अपना काम छोड़ के तो दिल हमारी मदद करने के लिए इधर बैठे हैं, तो ये अल्लाह वही ताला आपको इसकी जज्बा जजा दे। है वही जज्बा है जिस जज्बे से आप बैठे हैं। हमारे भी सारे ये भाई हैं पाकिस्तानी, तो सही है। बस तो आपसे थोड़ा। जी जी पर जी मेरा मशवरा तो यही है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, काम बहुत अच्छा है। लोग डराते हैं इसमें कि ये नहीं है वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। आपको मेरे पास मोबाइल पड़ा, मैं दिखा सकता हूँ कि मेरी जो है वीकली इनकम क्या है। ठीक है, अभी ये सही है। थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो वैसे जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 100+ करता रहा। ठीक है, माशाल्लाह जी, पर माशाल्लाह। आजकल जो है वो कोरोना वायरस की वजह से मतलब काम बहुत ज्यादा हुआ हुआ है, तो ये काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मतलब आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, आपके पास आईडी आ गई, लाइसेंस आ गया, आपको छोड़ देनी चाहिए, आप ऊबर पे आ जाओ। सही है। अच्छा सर, ये उमेर साहब, आप गाड़ी में बैठ के काम कर रहे हैं या कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके, अभी आपने भी कोई साइकिल या मोटरसाइकिल ले लेनी है, थोड़ा सा ये बताएं, ये कौन सी गाड़ी है आपके पास? कोई नए 2020 की चाहिए, कोई कौन सी चाहिए गाड़ी? नहीं, मैं तो भैया गाड़ी का कर रहा हूँ अभी, तो अच्छा ये गाड़ी, इसके लिए ऊबर के लिए, ऊबर आप गाड़ी पे भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पे ऊबर ईट की मैं बात कर रहा हूँ, ऊबर ईट गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, जिस पे आपकी मर्जी करें, वो इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपकी गाड़ी की लेकिन अंदाजन मालियत कितनी है, वैल्यू इसकी, ये जो जिस गाड़ी में आप काम कर रहे हैं अभी? मैं ये तो टीवीडी मैं कर रहा हूँ ना अभी आजकल। अच्छा, टीवीडी कर रहे हैं, हाँ वो उस जी, तरफ भी आप टीवीडी क्या कर रहा मतलब? हूँ। तो यहाँ पे कोई दोस्त है, उन्होंने पूछा जी ग्लोवो की पेमेंट रिलीज कैसे होती है? जी इसमें अदील भाई, इसका ग्लोवो का जो काम का तरीका है वो ऊबर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास, आप जब डिलीवरी देते हो तो आप कस्टमर से कैश पैसे भी ले लेते हो। वो अगर कस्टमर ने ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट की है तो नॉर्मली तो पैसे ऐसे ही आते रहते हैं आपके, जितनी मेहनत होती है वो एक आध या दो राइडें डेली अगर आपकी आ गई 30-35 करोड़ की कैश ऑन डिलीवरी की, तो आपके तो जितने दिन में पैसे बने वो आपकी जेब में आ गए। ठीक है, और लेकिन अगर नहीं भी होता, लेट से कि किस्मत में तो कुछ भी हो सकता है, तो पूरा हफ्ता या पूरा 5-7 दिन भी जो आपके वो पेमेंट नहीं, सारे दूसरी तरह से ऑर्डर ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दें। सही है। तो पेमेंट का और इन दोनों कंपनियों पे कोई इशू नहीं है। ऊबर का जितना पूरे वीक में आपने काम किया है, मंडे को जो है वो पूरे 12 बजे आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो कैश आउट आ गया कि अगर आपको पैसे चाहिए एक दिन के लिए भी, डेली भी ऊबर आ की जाएंगे। एप्लीकेशन में जाएं, कैश आउट का बटन दबाएं, तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे, जबरदस्त। तो डेली ये पेमेंट। जो ये आगे नेक्स्ट किसी दोस्त ने लिखा जी, सर ये ग्लोवो के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो आपने ये उबर के लिए बताए थे, या ये डिफरेंट है? जी पासपोर्ट को आप रिप्लेस कर, आईडी को पासपोर्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी सेम ही है तकरीबन सारे। जी और ये जी और दोस्त हैं, इन्होंने फिर लिखा जी, सर टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लोवो। तो ये वही बात है कि ज्यादातर लोग ग्लोवो में ज्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए हैं। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा इसी को मैं आगे कंटिन्यू साथ में ये भी करूंगा कि ग्लोवो पे, सिर्फ ग्लोवो पे काम करके बंदा सर्वाइव कर लेता है, यानी मैं कोई 50-60 यूरो इस पे बना सकता हूँ खाली ग्लोवो पे, या ऊबर ईट्स वो ज्यादा बेहतर है अपना, ये भी ग्लोबो पे बताइए। जो, और थोड़ा सा ये आगे इसको एक्सपैंड करते हैं, ये जो ग्लोवो की उन्हें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आप भी सर थोड़ा प्लीज ये लिख दें कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं, ताकि ये जो दोस्त अभी ये इन एप्स पे काम कर रहे हैं, ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो जी उस्मान साहब,
अनिल भाई, ग्लोवो जो है इसका तरीकाकार जो है ना वो डिफरेंट है कम्प्लीटली ऊबर से ना। ऊबर में आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अभी मैं अभी ऑनलाइन हो जाऊं तो अभी काम कर लूं, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन ग्लोवो में वो आपको खुद से आवर्स असाइन करते हैं, ठीक है, कि इन आवर्स में बैठ के आपने काम करना है, ठीक है, और इन आवर्स पे आप काम नहीं कर सकते, वो ग्लोवो वाले आपको खुद असाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपकी मर्जी नहीं है, जैसे आप ऊबर पे जब दिल चाहा आपने ऐप ऑन की और चले गए। अच्छा, जी, और ये ग्लोबो में, एक हाँ जी, ग्लोबो में आपकी मर्जी नहीं होती। और ग्लोबो में फिर एक और प्रॉब्लम जो ये है कि वो शुरू में आपको कंप्लीट डे के आवर्स भी नहीं देते। शुरू में अच्छा वो आपको लाइक जब तक आपकी 50 राइड्स पूरी नहीं हो जाती, वो आपको कभी दिन में 1 घंटा दे देंगे, वैसे कभी कोई एक कोई आइडिया है उसमान साहब, ये इनके इतने नखरे क्यों हैं? सर, क्योंकि सानू काम की जरूरत है। अच्छा। ये कंपनीज हैं भाई इनके, इन्होंने ना असल में ग्लोवो में, ऊबर में पता क्या होता है, मैं इस चीज को जो फॉलो करता हूँ कि ऊबर में मैं बैठा हूँ पूरा घंटा, कई बार दोपहर के टाइम सेकंड टाइम राइड नहीं आई, ठीक है। आप भी मैकडोनल्ड पे नोट करते होंगे कि 10 बंदे यहाँ बैठे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे, वो हर टाइम वहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन वो होता क्या, वो ऑफ टाइम होता है, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जब खाने का कोई मुनासिब टाइम नहीं है तो लोग फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऊबर वाले तो वहीं वहीं बैठे रहते हैं, कोई तुक्का लग जाता है राइड आ जाती है। लेकिन ग्लोवो वाले क्या कहते हैं, ग्लोवो वाले बंदे मैनेज करते हैं, वो क्या, उनको अंदाजा है कि इस मैकडोनल्ड पे हमारी सेल जो है वो 12 बजे से 1 बजे तक इतनी है, 1 से 2 इतनी है, 2 से 3 इतनी है, वो उतने बंदे वो खुद ही उस वो ऑनलाइन कर देते हैं उधर ना। और फिर जो ऑफ आवर्स हैं उनमें वो 1 या 2 बंदे ऑनलाइन रखते हैं, ठीक है। वो फिर इस तरह से, क्योंकि ऊबर के घंटा अगर आपको जो टाइम मिला है ना ऑनलाइन होने का, उसमें फिर इस तरह नहीं है कि आप फ्री बैठे हो राइड नहीं आ रही, उसमें राइड मिलती है आपको जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। तो वो इस तरह से उन्होंने मैनेज किया हुआ है, एक डिफरेंट अप्रोच से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है ना, ऊबर ने एक डिफरेंट अप्रोच से किया हुआ है, बिजनेस दोनों सेम ही है। तो ये जब ये 50 आवर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हीं की मर्जी चलती है या बाद में थोड़ा वो फ्लेक्सिबल हो जाता है? वो चेक करते हैं कि ये बंदा काम के साथ कितना सीरियस है, ठीक है। वो अगर आप अपना काम, आप अपना आवर्स उठाते हो और प्रॉपरली उनको करते हो, ठीक है, तो वो आपको अगले जो आवर्स हैं वो ज्यादा अच्छे देते हैं, आपकी रेटिंग अच्छी है, आप काम अच्छे तरीके से कर रहे हो। उन्होंने अपनी ऐप में लिखा हुआ है कि आपको आवर्स इस बेस पे मिलने हैं कि आपकी रेटिंग कैसे है, ठीक है। तो वो आप अपनी रेटिंग मेंटेन करते हो, कस्टमर को पोलाइटली अच्छे तरीके से जाके खाना देते हो, तो आपको अच्छी रेटिंग मिलती है, आपको आवर्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। सही है। और फिर जो दूसरे हैं वो ऊबर वाले हैं, उसमें नहीं है, इसमें थोड़ा टेंशन। अच्छा, ये भी थोड़ा बताएं, ये काम सिर्फ लड़कों के करने वाला है या लड़कियां भी ये कर सकती हैं काम? बेशुमार लड़कियां कर रही हैं अदील भाई, स्पेशली ग्लोबो में तो बहुत ज्यादा ग्लोबो कर में रही है। ज्यादा है लड़कियां, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ग्लोबो में लड़कियां ज्यादा हैं। ग्लोबो में ईवा नहीं है हाँ, शायद, वो ईवा काट के पैसे देते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे दोस्त हैं, इन्होंने पूछा जी, इनिशियली इज इट पॉसिबल टू यूज पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस? इफ यस, डू वी नीड टू कीप बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइसेंस विद अस? अदिल भाई, फर्स्ट 6 मंथ अराइवल की डेट से फर्स्ट 6 मंथ आप पाकिस्तानी लाइसेंस, कोई भी दोनों में से कोई भी लाइसेंस पे आप पुर्तगाल में गाड़ी चला सकते हैं, उसके बाद आप नहीं चला सकते, सही है। उसके बाद आपको रेजिडेंट होके चेंज करवाना पड़ेगा। पर ये एक और दोस्त है, ये पूछ रहे हैं जी दोबारा जरा बाइक का नाम बता दें, वो होंडा, और इसके अलावा आपको पता है, हमें तो पता नहीं है, ये जरा अगर एक ही है या दो तीन जो भी आपको ब्रांड्स के नाम पता है तो वो प्लीज शेयर कर दें। भाई जो सबसे बेस्ट है वो, लेकिन वो कॉस्टली भी है, वो होंडा की है, होंडा PCX, ठीक है, नहीं लेना चाहते होंडा विजन ले होंडा लें। विजन ले लें उसके बाद ना, तो और इसके बाद फिर इसके बाद जो एक पेजो की बाइक आती है, एक सिम की बाइक आती है, ठीक है, यामाहा की भी बाइक्स आती हैं। बाइक ऐसी लेनी है जैसे आपने पाकिस्तान में लेनी है देख के। हाँ यही है कि काम पे अगर जब आपने चढ़ना है तो जाहिर बात है आपको चीज अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं राइड आपके पास है, आप कहीं खड़े हो जाएं, बिल्कुल ठीक है ना। इन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अकाउंट। तो यहाँ पे ये और दोस्त पूछ रहे हैं, कोई जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये पूछना था कि लाइसेंस चेंज करने के लिए पेपर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं, ये IMT की वेबसाइट पे पूछ रहे हैं शायद, तो आपका एक्सपीरियंस है तो शेयर कर दें। नहीं मेरा नहीं, अभी ये कोविड की वजह से इन्होंने ये कोई काफी सारी चीजें चेंज की हैं,
तो मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस बना नहीं है कोई आईएमटी के ऑफिस जाने का जी, चक्कर में। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सर आप ऑनलाइन बिल्कुल करवा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा जी अदील भाई कैसे हैं, मेरे पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मैं उबर ईट ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड नहीं, मेरा केस अंडर प्रोसेस में है, पुर्तगाल में एंट्री भी मेरे वीजा पे है, क्या मैं यूके के ड्राइविंग लाइसेंस पे कार ड्राइव कर हूँ, कोई इश्यू तो नहीं होगा, तो ये प्लीज इन्हें बता दें आप। इनका वही ऊबर में अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि इनके पास पोर्चुगीज रेजिडेंस नहीं सही है है। और ये ग्लोबो में अकाउंट बना सकते हैं जी, और काम ये जो है वो गाड़ी ये कोई भी चला सकते हैं यूके बेस लाइसेंस पे, जब जितना अरसा मर्जी, इन पे वो छह सही है। महीने तो का लिमिट भी नहीं है। ये पूछ रहे हैं जी भाई आप ड्राइव कर सकते हैं यूके के लाइसेंस पे, जी बिल्कुल आप ड्राइव कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन ऊपर का काम नहीं बना सकते, जो ऊबर का होगा काम नहीं आप कर सकते लेकिन ड्राइविंग आप कर सकते हैं, लेकिन ग्लोवो कर सकते हैं। ग्लोवो कर सकते हैं जनाब आप, लेकिन ऊबर में रेजिडेंसी के बगैर काम नहीं देते जी, बिल्कुल ये आपको बता दिया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं जी ऊबर या ग्लोवो से मंथली इनकम कितनी हो जाती है जी। अदील भाई इसमें जो अप्रोक्सीमेटली जो है ना, अगर एक बंदा मुनासब काम भी कर ले, जिस तरह अपने राणा साहब रिकॉर्ड तोड़ते हैं इस तरह नहीं, अगर आप मुनासब तरतीब से काम करते जाएं तो आप तकरीबन 400 जो है वो आप बना लेते हैं एवरी वीक। ठीक फोर है, हंड्रेड एवरी वीक ये मिनिमम है, मतलब इसमें आपने कोई जान नहीं अपनी खपानी। सही है ठीक है, मतलब आपने सुबह के 3 घंटे ऑनलाइन हुए 12 से लेके 3 तक, ठीक है, उसके बाद 7 से लेके 11 तक ये आपने सही है 7 घंटे काम करना है। ठीक है, दरमियान में रेस्ट भी करें जी भर के, ठीक है, उठे भी 12 बजे, आपका मतलब फिर भी जो है वो 400 एवरी वीक आपका बनता रहेगा। सही है ठीक है ना, तो वो जो उसके बाद फिर उस 400 में से आपने ईवा देना होता है। ठीक है, वो आपका एक एक्सपेंस है वो, और उसके बाद आपने बाइक पे बाइक का फ्यूल निकालना है। ठीक है, वो कोई टोटली एक्सपेंस ईवा और बाइक का फ्यूल निकाल के 30% बन जाता आप इतना काम करना चाहते हैं जितना सामान भाई ने बताया, फिर आपको बाइक ही, फिर आप इलेक्ट्रिक बाइक भी ले लें, इलेक्ट्रिक है। हाँ बाइक में जी, आपका फ्यूल बच जाएगा, फ्यूल फ्यूल चीजें लगेगा ही मतलब नहीं। वो तो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी शॉप आप खोलते हो तो उसको स्मार्टली रन कैसे करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, डिपेंड कर रहा है चलें आप। जी, ये कोई और दोस्त पूछ रहे हैं जी, इंटरनेशनल लाइसेंस पर कार चला सकते हैं ग्लोवो का के लिए, तो जी, बिल्कुल ये उन्होंने बताया जी कि आप इन लाइसेंस पे कंपनीज में ना अदील भाई, जैसे उमेर भाई भी पहले शुरू में बता रहे थे ना, इन कंपनीज पे आप विदाउट लाइसेंस अकाउंट बना सकते हैं। सही है लाइसेंस जरूरी जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि आपको पुर्तगाल की गवर्नमेंट सड़क पे आने की इजाजत दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, अगर तो आपके पास ऐसा कोई लाइसेंस है जो यूके में यूके का है या अमेरिका का है, जो इधर इस कंट्री में वैलिड है पुर्तगाल में, फिर तो आप आराम से उसको यूज करके गाड़ी छोड़ के आप बेशक जो मर्जी चलाएं, सही है। तो और अगर वो लाइसेंस नहीं वैलिड, आप सड़क पे पकड़े जाते हैं, आपको पुलिस रोकती है, आपके पास लाइसेंस ही नहीं वैलिड, तो फिर आपने तो आ जाना कि हाँ जी उस्मान भाई आ जाए बताएं आपने कहा था। ठीक है ना, तो कानून को आपने पूरा रखना है क्योंकि इसमें आप काम की जल्दी में पुलिस के साथ आपकी आपको पुलिस देखती रहती है। ठीक है, तो वो जो ज्यादा करता है तो उसको रोक भी लेते हैं वो। चेक होते हैं तो इस आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ऐप की तरफ से, जैसे ये आम ऊबर ड्राइवर की जो ऐप है उस पे होता है कि जी आप 10 घंटे काम कर सकते हैं जो आपके वर्किंग आवर है, नहीं, इसमें ड्राइव में नहीं, ईट में नहीं, इसमें ऊबर कोई ईट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं है। है। अच्छा, नहीं, दोस्तों की रहनुमाई के लिए ये भी बता दें उमेर साहब आप बताएं आप कौन सा टाइम रिकमेंड करते हैं, सुबह के टाइम करना चाहिए, दोपहर के टाइम करना चाहिए, रात के टाइम करना चाहिए, या जो रात के बाद रात को 10-12 बजे के बाद टाइम शुरू होता है वो आइडियल है काम करने के लिए, आप नहीं, लोगों इसमें का ऊबर एक्सपीरियंस का जरा प्लीज काम, शेयर कर दें। ऊबर ईट का काम कोई टाइम भी ऐसा नहीं होता कि जब काम ना हो आपको, लेकिन वो है कि सुबह 12 बजे से 2:30-3 बजे तक काम बेहतर होता है, अच्छा होता है, जो भी बंदे ज्यादा काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उस वक्त लंच टाइम होता है, तो अगर आप उस वक्त काम करें तो बेहतर है। उसके बाद फिर 7, 7:30 बजे से 10:30-11 बजे तक, ये जो है ना परफेक्ट टाइम है आपके काम करने का। सही है उसके बाद अगर आप करते रहें तो ये नहीं है कि आपको काम मिलेगा नहीं, क्योंकि काम चलता रहता है। अगर काम पे आप एरिया के हिसाब से अगर हैं किसी जगह पे, अच्छे एरिया में, बिजी सिटी में या कहीं भी, तो आप कर रहे हैं काम, तो आपको ऑर्डर डिलीवरी आती रहती है।
उबर ईट देखिए में मैंने बहुत बड़ी चीज मैं थोड़ा सा मैं बता रहा अपना है, एक्सपीरियंस जी, प्लीज एक बड़ी चीज मैं बता रहा है जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने भाई ने बताया, मेरे भाई ने, कि बहुत अच्छा है कि मतलब ये टाइम है दोपहर तो खाने का और लंच का और डिनर का। अगर आप रात 12 बजे के बाद भी काम करते हैं ना, कई बंदों को जैसे मुझे आदत है लेट नाइट काम करने की, अब खुला क्या है जी, 3 या 4 या 5 मैकडॉनल्ड खुले हैं पूरे सिटी में, ठीक है, पूरे सिटी में 5 मैकडॉनल्ड खुले हैं रात 12 से 4, सुबह 4 तक आप 4 घंटे काम करें, उसमें आपको क्या फायदा होगा? उसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको जो राइड आएगी ना वो बड़ी लंबी लंबी आएगी। अब जाहिर बात है जब खुले 4 रेस्टोरेंट हुए हैं, अब एक राइड 10 किलोमीटर की आ गई, जो 8 किलोमीटर की आ गई, आपको तो एक मतलब 20 मिनट में €10 आ गए, वो टाइम भी बहुत अच्छा काम करने के लिए, और रात में जो है देखिए, लोग काम नहीं करते इतना। तो मुझे कोई ये ऐसा बताएं टाइम ये नहीं जो है कि आप घर पे बैठ जाएं कि नहीं ये इधर इस वक्त हाँ काम नहीं होगा तो आप चले जाओ घर बैठ जाओ जाके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप काम करना चाह रहे हो, आपको काम करने को मिलेगा। काम अच्छा मुझे मिलेगा। ये बताएं, सपोज हाँ मेरे जी पास कोई मैकडोनल्ड का इसका ऑर्डर आया डिलीवर का, तो अगर वो 10 किलोमीटर की राइड है तो ये ऊबर ईट्स या ग्लोबो पे पैसे कितने बनते हैं? 10 किलोमीटर की जो ऊबर की राइड है ना, उसके जो आपके है ना 8 यूरो समथिंग जो है ना आपको आते हैं ऊबर की डिटेक्शन के बाद, तो ये दस और ये किलोमीटर तय करने में टाइम कितना लगता हार्डली 20 मिनट लग जाते हैं, रात के है? टाइम तो बहुत ही कम लगते हैं क्योंकि रात के टाइम जो है वो ट्रैफिक नहीं होती। यानी ये भी पॉसिबल है कि 1 घंटे में मैं तकरीबन 20 या 30 यूरो तक भी बना सकता हूँ? सर ऐसी ऐसी राइड मैंने की हुई है कि मतलब डबल राइड मिलती है, मैकडॉनल्ड की नहीं मिलती, दूसरे रेस्टोरेंट्स की मिलती है। अब आपने दो राइडें उठाई हैं, अब वो दो राइडें जब आप कंप्लीट करोगे, पहले एक कस्टमर को देनी है फिर दूसरे को देनी है, ठीक है, वो मतलब वो टोटल सफर जो आपका 20-22 किलोमीटर बन गया, वो एक ही राइड आपको 18-18 यूरो की आ जाती है अच्छा, जी। तो इसमें कोई गुरजैता भी मिलता है? हाँ जी इसमें ना अनिल भाई एक और चीज भी है, ऊबर जो वो पर किलोमीटर पैसे देता है, ग्लोवो भी पर किलोमीटर पैसे देते हैं आपको, तो इस वजह से अगर ये नहीं टेंशन लेनी कि यार ये 10-10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना है तो वो पता नहीं 2 रुपए ही लगने उधर भी इसलिए टेंशन नहीं है कि आपको जितना आप दूर जाएंगे उतना वो फिर ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, ये दोस्त जो बैठे हैं कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें गुरजैता का नहीं पता, ये जरा प्लीज बता हाँ दें। मैं टिप्स की बात कर रहा हूँ कि जब आप हाँ डिलीवरी करते हैं किसी चीज की, भले आप ऊबर ड्राइवर हैं या आप ये फूड डिलीवरी एप्स पे काम कर रहे हैं, तो अक्सर वो टिप्स की भी ऑप्शन होती हैं। तो कुछ बिल्कुल लोग कैश भी दे देते हैं और कुछ आपकी ऐप पे ऐड कर देते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी लाजमी है ज्यादातर यहाँ पे ये टिप्स वगैरह मिल जाती हैं हर फूड ऑर्डर पे, या ज्यादा नहीं नहीं है जाती, इतना? बिल बहुत ज्यादा मिलती है जी, जितना आप जो है जाओगे कस्टमर के पास जल्दी पहुंचोगे वो खुश होगा कि गर्म फूड मुझे मिला है तो वो आपको देगा, या जितना अच्छा आप बर्ताव करोगे उसके साथ, ठीक है, जाके वाला बूंद दिया बहुत हंस के मिलोगे तो वो आपको करेगा, तो मिलती है जी, बिल्कुल मिलती है। वो उमेर साहब, जुबान कितनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो पुर्तगेजी आती नहीं है, मेरे पास तो अभी कार्ड भी नहीं है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अब मैं फूड देने जा रहा हूँ किसी को, तो कितनी जुबान मुझे उसका, यानी कितना लेवल होना चाहिए? कोई मुझे सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत है या मैं बस सलाम वालेकुम जी हेलो जी? नहीं भाई, इसमें कोई लेवल नहीं चाहिए होता है। आप जिसके लिए ऑर्डर लेके जा रहे होते हो ना, उसको भूख लगी होती है, उसने पैसे पे किए होते हैं, तो उसकी इंग्लिश खुद ही निकल आती है फिर, हंड्रेड सही अगर परसेंट उसे नहीं भी आती तो 100% गलत इसमें डजंट मैटर, जुबान मेरा का ख्याल आप फूड के कोई काम में तो अक्सर लोग प्रॉब्लम वो दरवाजे के बाहर खुद ही खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि यार कब ये बंदा डिलीवर करने आया तो मैं इसे लूं, तो नहीं। उसको इससे हाँ कोई जी फर्क नहीं पड़ता कि इसको कितनी जुबान आती है या नहीं, कोई जरूरी नहीं नहीं है, वो उसमें बिल्कुल कोई अगर मैटर नहीं करता। तो ये जो थोड़ा बहुत अगर लिखा भी होता है ना उन्होंने को, जैसे होता है कि मतलब हमारा जो है नेविगेशन सही नहीं है, ये गली की राइट है लेफ्ट है इसका नंबर ये है, तो वो आप ट्रांसलेट कर लें, कोई मुश्किल नहीं, मुझे नहीं आती, मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि अच्छा इसने ये बोला है, तो जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको समझ आ जाएगी हाँ ये मतलब इसने जो लिखे हुए हैं, सेम 4 तो वर्ड होते हैं चीजें रिपीट होती रहनी है वो ही ना, रिपीट होती रहती है। तो ये कस्टमर माइंड तो नहीं करते जब आप जाते हैं तो वो देखते हैं जी ये बंदे को तो जुबान ही नहीं आती? बड़ा खुश होते हैं उनको, वो जैसे नहीं पाकिस्तान में नहीं हुआ हमें गोरा नजर वो जो है ना, मतलब अगर हम जाते हैं ना देसी लोग तो हमसे वो बल्कि ज्यादा खुश होते हैं। सही है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट थोड़ा सा ये कॉमन क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो नहीं है, किसी ने पूछा यहाँ पे कि प्लीज शेयर इट, विच प्लेस इन पुर्तगाल इज चीप रेजिडेंस फॉर फैमिली? तो ये आप लोग अपना शेयर बता दें जी, मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पे घर कहाँ पे सस्ते मिलते हैं, तो अगर आप कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो बताएं ना।
नहीं वो तो किसी भी काम सिटी से बाहर निकल जाए तो सस्ता ही मिलता है जी। मतलब पोर्टो है, मतलब कोई भी शहर जो है पुर्तगाल में छोटा तो नहीं है ना, पोर्टो लगा लें, लिस्बन लगा लें, छोटा तो कोई भी नहीं है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाए, जैसे आप पोर्टो से आप मतलब गाया चले जाए, गाया से थोड़ा सा आगे और चले जाए तो सस्ता मिल जाएगा। यानी शहर से बाहर जितना दूर जाते जाएंगे तो रहायश आपकी उतनी सस्ती होती जाएगी, छोटे शहर लेकिन में जाएंगे। ये पोर्टो में जो ना हो गाया भाई कि एक गाया शहर से निकल के आप दूर जाते जाते दूसरे शहर में पहुंच जाए, फिर महंगे हो जाए उधर। जी अच्छा सर जी, ये एक और दोस्त है, इन्होंने लिखा ये जो डिलीवरी का बैग है ये कहाँ से मिलेगा, ये कोई ये हमें कोई मैकडोनल्ड केएफसी या कोई रेस्टोरेंट वाले देते हैं या ये खुद का खरीदना पड़ता है? ऊबर ये के ही ऊबर उन्होंने। या ग्लोवो जिस कंपनी के साथ आप काम करोगे ना वो ही देंगे। और आजकल क्योंकि ऑफिस वगैरह बंद है तो ये बाय पोस्ट आ जाता है, पहले ऑफिस से मिलता था आपको। तो ये ये ऐसे तो नहीं जब होता आपका हमारे, अकाउंट तो एक्टिवेट होगा तो ये पोस्ट आ जाएगा आपको। मैं कितने बैग मंगवा सकता हूँ कि बैग मैं मंगवाता रहूं? भाई एक पचास अकाउंट पे एक ही यूरो मिलता का है है जी, देखिए, एक बैग मंगवा लेंगे 60 उसकी यूरो फिर का एक देते वारंटी हैं है ऊबर सिक्स वाले। मंथ की ना, एक बैग आपका आ गया आपने ले लिया उसकी 6 मंथ की वारंटी है ठीक है। जब उसकी जिप खराब होगी, इसकी ज्यादा जिप भी खराब होती है, बेहतर तो यही है कि अगर उसको सही लें खुद ही, तो बाकी 6 मंथ की वारंटी है। आप इसको उनको मेल करेंगे तो बैग जो है वो नया आ जाएगा आपका, और पुराना वो ले जाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद ये है ना कि मुफ्त की चीजें आपको पता है वो हलाल होती हैं हम पे, तो वो कितने बैग मंगवा सकते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, 50 यूरो का ये बैग है मुफ्त ऊबर ही होता का, और भाई, ये 37 यूरो 50 का 60 ग्लोवो का आई बैग था, थिंक, पचास 60 का प्लस कि के। 50 का है होता है अभी ऊबर का जो बेशक है जी। आप उनके बिके इसलिए मर्जी होगा। अच्छा सर, ये आगे और दोस्त पूछ रहे हैं जी, सलाम अदील भाई, ऊबर का काम ऐसा है आजकल कैसा? मेरा कल उन्होंने लिखा कि तौर पर अगर कुछ कार्स खरीद के आगे रेंट पे दी जाएं, तो बताइए सर क्या एक्सपीरियंस है आपका ऊबर के कारों के हवाले से। वो पूछ रहे हैं कि ये अच्छा बिजनेस है। दिल भाई, इसमें कोरोना को अगर हम थोड़ा सा अवॉइड कर दें, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना पे आ जाएं, तो फिर तो एक अच्छा बिजनेस है, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार आप अपना कमा सकते हैं। आजकल देखिए थोड़ा कोरोना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कोरोना या COVID-19 इतना तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये सदा नहीं रहेगा, और जी ये इत्तफाकन आया और ये कोरोना की वजह से सिर्फ उबर नहीं दुनिया के सभी बहुत बिजनेस जो हैं वो इससे मुतासर हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, आप बड़ी बड़ी एयरलाइंस देख लें, तो ये तो जी सारी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा ये शदीद किस्म का झटका लगा। बिल्कुल ऐसा, तो लेकिन आप रूटीन में इन्हें बता दें कि ये ऊबर के बिजनेस के हवाले मतलब से बहुत आपकी अच्छा क्या बिजनेस है, रिकमेंडेशन है। बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप खुद नहीं भी ड्राइव करते, कारें जैसे इन्होंने पूछा लेके आगे दूसरे ड्राइवर्स को रेंट पे देंगे, तो जो आपका जो एक कार जो है वो अप्रोक्सीमेटली कार की मॉडल वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है, वो 800 से 1,000 यूरो तक वो आप रेंट कर सकते हैं ड्राइवर को सही है। और अगर मंथली। हम खुद गाड़ी चलाएं तो उस पे कितने पैसे बना सकते हैं एक कार पे? अच्छा तो वो अदील भाई, उसमें अगर आप प्रॉपर मेहनत करें जिस तरह से करने का है, तो आप कोई भी एक दूसरी जॉब करते हैं जैसे, तो उतनी अगर आप मेहनत करें तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तकरीबन गाड़ी आपकी अपनी है तो खर्चे वगैरह निकाल के आप 3,000 यूरो तक 1 महीने में बना सकते हैं। सही है, यानी ये COVID-19 की वजह से फिलहाल जी तो जाहिर है इतने पैसे नहीं बढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर इसको साइड पे कर दें तो नॉर्मल हालात में इतने पैसे क्यों जी उमेर साहब, आप भी यही सोचते हैं? जी भाई सही कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल देखें तो फिर तो काफी बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल क्योंकि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है तो अभी तो ये लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो पता चलेगा ना क्या होता है इसके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर फर्ज करें ये मैं टीवीडी कार ले लेता हूँ, रेंट पे ले लेता हूँ या खुद की ले लेता हूँ, तो साथ में ये मैं उबर ईट्स और ग्लोबो ये भी काम कर सकता हूँ या उसकी इजाजत नहीं है, या उसके लिए मुझे होंडा ही लेसा? नहीं, इजाजत तो नहीं है ठीक है, अच्छा तो लेकिन आप कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को, यानी मैं क्योंकि पैरेलल ये भी साथ में एज अ साइड ये भी काम कर सकता हूँ, यानी मुझे दूसरी राइड नहीं आ रही पैसेंजर राइड, तो ये बिल्कुल मैं फूड डिलीवरी भी कर सकता हूँ साथ इसके। आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं आप अपनी मसरूफियत को, तो इस तरह से ये किया जा सकता है, इसमें यानी कुछ आप नहीं। अपना टाइम दूसरी तरफ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप तीनों दोस्त कर रहे हैं ये साथ में या सिर्फ ये आप फूड डिलीवरी एप्स पे ही काम कर रहे हैं? जी, मैं तो कर रहा हूँ सारा ही, मतलब ग्लोवो भी, ऊबर ईट्स भी, ग्लोबो
बोल्ट भी, ये चारों ऐप्स को मैं अरे पैरेलल चलाने की कोशिश कर लेता हूँ। उमेर साहब आप भी कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल उबर ईट और उबर दोनों कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा सही है। आसान हाँ नहीं है लेकिन जो है वो नहीं उसके बिल्कुल। लिए आपको पता, आप थोड़ा फेमिलियर हो हाँ एरिया जी के मैं साथ तो फिर आप मैनेज कर बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसीलिए मैं आपको कर लेता शॉर्टकट का पता होता है, तो हूँ। हाँ जी अदरवाइज ये इतना इजी है नहीं बिल्कुल, शुरू में आप कि सारे अगर बंदे आपको। डालें, पहले ऊबर ईट्स हाँ करें, जी उसके साथ आप एरिया इलाका समझे, ठीक है आपको ना। अगर फेमिलियर है एरिया के तो आपको फिर कर सकते हैं आप तो किसी थोड़ा सा भी ये बताएं कि ये काम शनाई। करने के लिए फूड डिलीवरी का जो बता रहे हैं आप, ये मुझे किसी कोई रेस्टोरेंट के नजदीक रहना जरूरी है या कस्टमर के नजदीक रहना जरूरी है? किस तरह इसकी रिक्वेस्ट कैसे आती है ऐप पे? बेस्ट प्लेस तो यही, अगर मतलब आपकी जो रेजिडेंस है वो अगर हो रेस्टोरेंट्स के करीब तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैंने अभी घर चेंज किया, मैं स्पेशली इसीलिए मूव किया हूँ, पहले मैं मतलब थोड़ा दूर था, अब सिटी में आ गया पोर्टो में, फिर रेस्टोरेंट का वहाँ पे गार्ड है, वहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं लिया 15-20 रेस्टोरेंट है, एक नहीं दूसरे दूसरे तीसरे किसी की तो आती है ना, ठीक है ना। ये ज्यादा बेहतर है कि अगर आप है उस जगह पे तो बेहतर है। नहीं तो ये भी है कि मतलब जैसे आप कहीं दूर भी रहते हैं तो आप आ जाएं, उधर आगे खड़े हो जाएं, आपको डिलीवरी पर डिलीवरी मिलती जाएगी, आगे से आगे चलते जाएंगे आप, आपको जरूरत नहीं है, ये स्पेशल नहीं है कि आप लें, आप जब कहीं भी रहते हैं मतलब आप जाएं, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं काम करने, कार के रात को वापस चले जाते हैं। बल्कि मैंने तो कई नहीं लोग उबर ऐसे ईट देखे के हैं, लिए, कई लोग उबर ऐसे ईट देखे के हैं लिए जो आपको रेस्टोरेंट के पास होना पड़ता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर आप जिधर, अगर आप खड़े हैं कहीं इसी एरिया में उधर रेस्टोरेंट नहीं है आपके पास, तो जी उधर तो खड़े होने का फायदा ही कोई नहीं। अगर आप काम पे हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी मैकडॉनल्ड या जिधर कोई बिजी रेस्टोरेंट है जिधर से ऑर्डर आते हैं, तो उस जी एरिया में जाएंगे आप तो उधर ही ऑर्डर आएगा आपको, क्योंकि उबर इसमें ईट में प्रेफरेंस होता है जो ड्राइवर पहले होता है, जो नजदीक तरीन होता है उसको आता है ऑर्डर, फिर उसके बाद जो उससे नजदीक है इसी तरह एरिया कवर करते हैं ये। जी बिल्कुल ऐसे है। एक और दोस्त है जी वो पूछ रहे हैं ये हम एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं या हमें फुल टाइम ही करना पड़ेगा काम? ऊबर का जैसे मैंने बताया दिलीप भाई, वो आप पार्ट टाइम क्या 1 घंटा डेली कर लें बेशक, ठीक है, तो अच्छा जितनी आपकी किस्मत में रोजी लिखी है वो कोई मसला नहीं है। वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे मतलब पुर्तगेजे हैं बहुत सारे, मैंने देखे हैं, वो अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, ठीक है, शाम को वो क्या करते हैं 3 घंटे के लिए ऊबर ड्राइव ऑन कर लेते हैं, सूटेड बूटेड है, ऊबर ड्राइव ऑन कर लेते हैं, और कुछ जो मतलब दूसरे हैं वो ऊबर ईट ऑन कर लेते हैं, बाइक वाले हैं, दिन को उनकी और जॉब है, वो जॉब से पैसे कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वीकेंड लगा जाते हैं और आप। वीकेंड सैटरडे संडे लगाते हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग जो वो काम करते हैं, और हमारे जी जी हमारे देसी लोग हैं वो भी इस तरह है। दिन में उनके और जॉब्स हैं वो करते हैं, शाम में आके ओवरलीड कर रहे हैं, ओवर ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कोई और दोस्त, ये दुबई के लाइसेंस जो होल्डर हैं वो भी कर सकते हैं या कोई इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है इस पे, या ये वही आपका कोई मतलब एक्सपीरियंस हो ऐसा देखा हो? पोर्चुगल का वो जो लॉ है ना, यूनियन से अलावा जितने भी कार्ड है वो सिर्फ आप 6 महीने के लिए यहाँ पे आके ड्राइव कर सकते हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, उसके बाद आपको कानूनी तौर पे वो फिर आपको फाइन हो सकता है विदाउट लाइसेंस चलाने का। तो आपके पास दुबई लेकिन का वो है भी जहाँ आई थिंक सो पे कि आप काम के लिए नहीं कर सकते, नहीं वो कार भी ड्राइव, ऐसे अगर आप टूर के लिए विजिट के लिए आए हैं तो कर सकते हैं पता हाँ नहीं, जी लेकिन प्रोफेशनल विजिट पे के नहीं लिए वो है तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल में काम के लिए जॉब के लिए उसका आई थिंक कोई टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतर यही है कि आप अकाउंट जो है वो साइकिल पे ओपन कराएं और इलेक्ट्रिक बाइक ले लें, ठीक है, सही वो है। सबसे बेस्ट है, उसकी ओवरनाइट चार्जिंग हो जाती है, सुबह उठ के वो आपको 100 किलोमीटर, उसको अच्छी वाली ले लें ना आप, तो 100 किलोमीटर तक उसको आप चला सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। अब आपने 10 घंटे काम करना है तो आपने 10 घंटे बाइक ही तो नहीं चलाई जानी, जाहिर है वो बीच में आप फ्री खड़े रहना है, अगर आपका कोई घर नजदीक है दोपहर में भी चार्ज कर सकते हैं उसको आप, तो इतना मुश्किल नहीं और है सबसे दुबई प्लस के पॉइंट लिए यही है कि जो उस्मान भाई ने बताया कि ग्लोवो में आपको जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, आईडी की मतलब आईडी जरूरत की जरूरत नहीं। नहीं है, तो जो नए लोग आ रहे हैं काफी परेशान है, लोग खेतों में बैठा कहाँ बैठा है, अभी तो काम कोरोना वायरस की वजह से कहीं कोई काम मिलेगा ही नहीं ना, तो अब ग्लोवो लें, ग्लोवो अकाउंट खोल लें और इलेक्ट्रिक बाइक ले लें, देखें जी मुझे इलेक्ट्रिक मुझे ये आपसे ये यहाँ पे ग्रुप में आके बात करने से पहले मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और साथ में हैरान भी हो रहा था कि माशाल्लाह आप जैसे भाई ये इस सिचुएशन में भी जब सारी दुनिया घरों पे फारिग बैठी है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो और साथ में ये जो आपने बताया भले आप रेजिडेंट हैं
या अभी नहीं बने तो फिर भी आप काम कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी आपने खुशखबरी दी है उन सब दोस्तों के लिए जो घरों में बेकार बैठे हैं और बेचारे परेशान हैं, उनकी फैमिलीज परेशान है, जो ये सोच रहे हैं कि जी हमारे पास कोई रोजगार का कोई वसीला नहीं है तो हम क्या करें। तो मुझे भी काफी सारे मैसेजेस आए थे, तो उस दिन से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह भी हम ये आपस में जितने भी हम ये लोग हैं तो एक दूसरे से यही सलाह मशवरा कर सकें कि कौन सा हम काम कर सकते हैं जब जेब में पैसे भी नहीं है, या जिनके जी पास पैसे हैं वो कौन से काम कर सकते हैं। तो ये आज बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली आपसे। तो यहाँ पे कोई दोस्त पूछ रहे हैं जी लिस्बन से यूके फ्लाइट जा रही है क्या? जी बिल्कुल जा रही है, आप किसी अच्छे से ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि मैं नॉर्मल जॉब छोड़कर ऊबर ईट्स या ग्लोबो स्टार्ट करूं तो मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा, टैक्स कौन पे करेगा, या मुझे अपना कौनता कंपनी ओपन करना होगी, ये कौन बताएगा जी आप में से? भाई, इसके बिल्कुल लिए अगर मेरा ख्याल भाई रीन्यू के लिए उसके लिए पूछ रहे हैं, जब आपकी एक्टिविटी ओपन होती है तो आपको डेफिनेटली एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। अगर आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके काम करते हो ऊबर ईट के साथ, तो अकाउंटेंट हायर करेंगे उसको, आप जो भी काम करेंगे उसकी रिसीप वगैरह देंगे, तो वो एवरी 3 मंथ आपका ईवा कैलकुलेशन करके तो देगा आपको ना, कि कितना ईवा बना, कितना आपने काम किया। तो वो आपकी जो एक बैलेंस शीट जिसे कह लें, या वो फतूरे जो आ जाते हैं, वो आपके बिल्कुल किसी रीन्यू के लिए किसी काम के लिए वो ही चलेंगे। उसमें बिल्कुल आपको कोई कंपनी या कंट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती फिर बाद में। यानी मेरा रेजिडेंस अगर मैंने रिन्यू करवानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो हाँ एक्टिविदाद। जी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्टिविदाद खोल के आप अकाउंटेंट के साथ जो भी आपको 2-3 महीने में जो आपने काम किया वो सारे आपको रिसीप देनी पड़ेगी अकाउंटेंट को, वो सारी कैलकुलेशन करके तो आपको बताएगा आपने कितना ईवा पे करना है। तो वो जो कैलकुलेशन करेगा वो सारी बैलेंस शीट एक बन जाती है ना, एवरी मंथ आपने कितना काम किया, कितना ईवा पे किया उसमें, तो वही आप डॉक्यूमेंट वही आपको चाहिए होते हैं। मेरा आपको ख्याल किसी रिन्यू करवाने के और लिए साथ में दो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की चाहिए या किसी होंगे, चीज की एक जरूरत सुग्रांसा होगी। सोशल का, नौ दुविधा का, और साथ में फिनांसिस का। अधील भाई, इसमें हाँ मैं एक जी, और बात कर फिनांस का, इसमें सुग्रंसा सोशल का, नो दिविदा, और ये एक सोशल बैलेंस शीट और एक्टिविटी जो आपने खोली होती है उसका पेपर, बस ये चाहिए आपको। इसमें आपको पहला साल अधील भाई सोशल भी नहीं पे करना होता ऊपर में ना, सही है, तो सही है। इसमें सुग्रांसा सोशल का जो है वो एनओसी मिल जाता है। एनओसी पता नहीं कहते हैं क्या कहते हैं उसे, कि मुझे वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टाइप कोई चीज़ है वो मिल सही जाती है। बात, हाँ जी, कि मैंने मुझे ईवा जो है वो नहीं पे करना था, लेकिन काम मैंने किया है, ये मेरी वो ईवा पे करने की रिसीप्ट है। तो वो आपकी ग्रीन रिसीप्ट भी आप निकाल सकते हैं ऊबर की वेबसाइट, जो आपका पोर्टल बनता है ऊबर की वेबसाइट के अंदर, वहां से भी डाउनलोड हो जाती हैं कि इस बंदे ने हर महीने में इतना इतना काम किया, इतना ईवा पे किया। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा किसी दोस्त ने, उन्होंने लिखा जी सर ये ग्लोबो के लिए कोई इंटरव्यू लेते हैं, अगर किसी को पोर्टुगीज लैंग्वेज ना आती हो बेसिक के अलावा तो ये इंटरव्यू कौन जी लेता है जनाब? तो मैं जाऊंगा, मुझे बोंदिया का तो पता चल गया, आगे उसने कुछ पूछा तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये टेस्ट कौन लेगा मेरी लैंग्वेज का या फिजिकल अपीयरेंस ये वगैरह? वो पहले था अधील भाई, वो ना पहले उबर के ग्लोबो के ऑफिस जाना पड़ता था, वो इंटरव्यू तो नहीं होता था, बस वो नॉर्मल बातें ही होती थी कि आपका अकाउंट खोल रहे हैं ये वो, तो यानी वहां पे डॉक्यूमेंट्स वो, सबमिशन। हाँ जी, तो उसमें वो लोग वो अब किसी को ओला से या बोंदिया से आगे जिसको नहीं पता था वो कहते थे सॉरी फिर आप पुर्तगीज सीख के आओ ना पहले, अच्छा तो ये ये होता हुआ, रहा, ये होता रहा है, ये डेफिनेटली ये होता रहा है। ठीक है, तो सही है। लेकिन अब जो है वो कहीं जाना ही नहीं है, ऑनलाइन आपने अकाउंट ओपन कर लेना है वेबसाइट पे, ऑनलाइन ही वो आपने एड्रेस उनको दे देना है सारा, आपका टीसीएस वो ये यूपीएस वगैरह के जरिए आपके आ जाना है आपके घर पे, आपका बैग शैग और पासवर्ड आपका आ जाना है, कोई अब जरूरत नहीं, पहले ये होता रहा, ये बिल्कुल होता, लेकिन मेरे साथ भी हुआ था मेरा भी अकाउंट नहीं खुला था। लें जी, एक और दोस्त पूछ रहे हैं यूए लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं ग्लोबो पे इफ माई केस अंडर प्रोसेस, यानी उनका रेजिडेंस का जो प्रोसेस है मेरा ख्याल उसकी बात कर रहे हैं वो, तो वो ये काम कर सकते हैं? मेरा ख्याल है हम ऑलरेडी इसी चीज का जवाब तो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बता दें। देखिए, यूएई के लाइसेंस को ग्लोबो वालों ने भी और उबर ईट वालों ने भी नहीं मानना, उन्होंने अच्छा आपका अकाउंट ओपन करना है बाइसाइकिल बेस पे। ठीक सही है, है, उसके बाद लाइसेंस की जरूरत आपको पड़नी है वैसे शहर में गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है,
नॉन यूरोपियन लाइसेंस के पर आप सिर्फ 6 महीने कोई भी व्हीकल चला सकते हैं, उसके बाद चलाएंगे तो आपको फाइन होगा। और ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने अकाउंट बना लिया जी ग्लोबो पे जाके, मेरे पास रेजिडेंस कार्ड भी नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, मैंने बाइसिकल पे कर दिया है। जी जी कोई बंदा मुझे वाच तो नहीं कर रहा बाहर, मेरी जनाब गाड़ी खड़ी है तो मैं गाड़ी में जाके डिलीवरी कर रहा हूँ, तो ये इस तरह का भी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? नहीं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इनको कंसर्न ही नहीं है इस चीज नहीं, यानी यानी ये पॉसिबल नहीं। मेरा मकसद ये है पूछने का कि मैंने साइकिल पे रजिस्ट्रेशन करवा ली है, साइकिल मेरा वहीं पे खड़ा है बाहर, और आगे मैं जनाब गाड़ी चला के जा रहा हूँ डिलीवरी करने, तो ये पॉसिबल है? यानी हम कर सकते हैं ऐसे? आप कह लें कि कर सकते हैं, उसमें आपको पुलिस जो है वो आपके एरिया की, यानी यानी आपका मतलब ये है कि ये लीगली ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है वो एक अलग बात है। कोई मसला नहीं है उसमें, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाड़ी पे करो, आप मोटरसाइकिल पे करो, आप साइकिल पे ऐप करो, ऐप वालों को खाना तो डजंट मैटर, आप खाना जिसने ऑर्डर किया उसको खाना पहुंचना चाहिए, और अगर पुलिस अगर आपको कोई रास्ते पे रोकती है तो आपके पास लाइसेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन, ये चीजें पूरी होनी चाहिए। उसका कोई मकसद नहीं है कि किसी का कोई सिर कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, क्या आप गाड़ी पे कर रहे हो, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, वो डजंट मैटर है। मतलब पुलिस का कोई आपके कंसर्न पास नहीं है चीजें पूरी होनी चाहिए, पुलिस का किसी का कोई कंसर्न नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन, लाइसेंस है गाड़ी का, डजंट मैटर, आप जिस पे मर्जी करो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये अक्सर मैं मैकडोनल्ड वगैरह जाऊं तो वहां पे मैं देखता हूं, वहां पे बड़ा जनाब जमघटा लगा हुआ है, कोई 5-10 वो ऊबर ईट्स के ड्राइवर है, उन्होंने बैग डाले हुए हैं शोल्डर पे और वो सारे इकट्ठे खड़े हैं, तो ये इस चीज को फिर मैनेज कैसे करते हैं? यानी कोई क्यू होती है उनकी कि जी आप इस जगह पे हैं, या उन्हें कैसे वो राइड कैसे आती है? ऊबर जो अच्छा राइड जो आती है उसकी बात कर रहे हैं, अंदर जाके की बात कर रहे हैं? यानी ये प्रोसेस कैसे सर? ये ऐसे ऐसे है कि आप देखें, अब जो है ना राइड जो काम का टाइम नहीं है, जिस टाइम काम का टाइम नहीं होता, जिस टाइम काम का टाइम है उस टाइम तो आप कहीं भी चले जाए आपको राइड आ रही है ना, रेस्टोरेंट के करीब है। अब काम का टाइम नहीं है जिस टाइम आप, अब क्या होता है वहाँ पे मैकडोनल्ड पे लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं जब गट्टा लगाते हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं, अब वहाँ पे जो है राइड उस्मान भाई को आ जाए, मुझे आ जाए, जिसको भी आ जाए, 10x10 आ जाए, या वैसे मतलब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ग्लोवो में है शायद रेटिंग पे राइड आती है, ऊबर में नहीं है। आपको राइड आ गई, आपने अंदर जाना है, अंदर जाके उस्मान को भी आ गई, जिसको भी आ गई हमने जाके, क्योंकि हमारा वो रास्ता ही सेपरेट है, मैकडोनल्ड के अंदर हमने जाना, हमारा जो है काउंटर ही सेपरेट है, हमने उस सेपरेट काउंटर पे जाके खड़ा हो जाना है, वहां पे जाएंगे, उन्होंने कोड पूछना है, अपने कोड बताना है, जिसका रेडी हुआ उसको उन्होंने देते जाना। कुछ मैकडॉनल्ड ऐसे हैं वो जो सबसे पहले खड़ा है उसको सबसे पहले देते हैं। यानी वहां पे जो लोग इकट्ठे सारे खड़े हैं ये आगे फिर उनकी किस्मत है, यानी एज ए क्यू नहीं है, जैसे ऊबर में वैसे ये जो ड्राइवर की ऐप है उसमें होता है, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वहां पे क्यू है जनाब, एक से लेके वो बढ़ती जाती है आगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं अगर मैं खड़ा हूँ वहां पे, मैं जनाब देख रहा हूँ वो बाद में आया था वो भी निकल गया, वो आया था वो भी निकल गया, ये किस्मत की बात है। नहीं ये भाई ऐसे होता है कि मोस्टली जो मैकडोनल्ड में जो उनके पास टैबलेट होती है ना उबर ईट की, उस पे जो ऑर्डर जिस हिसाब से आया होता है ना उसी हिसाब से वो रेडी करते हैं, जो रेडी होगा वो देते जाएंगे, वो उसमें कोई नहीं होता कि कौन, अगर आपको ऑर्डर आया आप कहीं दूर से आ रहे हो, आपको 10 मिनट आते हुए लग गए रस्ते में, तो अगर कोई बंदा उधर पहले का खड़ा था तो आपके आने से पहले आपका ऑर्डर रेडी है, तो वो उसमें किसी का तो कोई ना, वो जो क्यू अंदर होती है ना उनके पास टैबलेट में जिस तरह ऑर्डर आ रहे होते हैं वो उसी हिसाब से रेडी करते हैं फिर देते हैं बंदों को आगे। अच्छा जी ये और दोस्त पूछ रहे हैं जी, यूके लाइसेंस पे ग्लोवो कर सकते हैं तो क्या एक्टिविटी स्टार्ट करना जरूरी है, और हम जिनके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं वो ग्लोवो में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पहला मैं आपका सवाल ले लेता हूँ कि जी यूके लाइसेंस पे ग्लोवो कर सकते हैं तो क्या एक्टिविटी स्टार्ट करना जरूरी है, ये बता दें जरा प्लीज इन्हें। ये यूके पे आप कर सकते हैं बिल्कुल, आप अपना लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं ग्लोवो वालों को, और अपना अकाउंट जो है वो अपनी अपने पास जो आपके पास गाड़ी है उसकी बेस पे ओपन करवा सकते हैं, गाड़ी या बाइक। तो क्योंकि यूके अभी तक वो कम्प्लीटली यूरोपीय यूनियन से बाहर नहीं गया, तो इस वजह से जो यूरोपीय यूनियन वाली ट्रीटमेंट्स हैं वो अभी तक इनको मिल रही हैं। तो अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन में जहां मर्जी का लाइसेंस आपके पास है वो आप यहां पे गाड़ी भी बिना झिझक चला सकते हैं और अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, चेंज कराने की जरूरत। अच्छा ये पता नहीं
ग्लोबो का मैंने कहा वो पूछ कर दें लिंक कुछ शेयर कर दें जिसपे लिंक वो अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट लिंक बनाने का तरीका, क्योंकि जी, बात बात आप तीनों दोस्तों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही आपको टाइम मिलता है यहाँ पे आप ये चैट की ऑप्शन में जाके या हमारे ग्रुप चैट में जाके तो ये लिंक जो है वो शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्त जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे किसी ने पूछा जी ऊबर या ग्लोबो कंपनी खुद देती है बैग, ये पता नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या पूछ रहे हैं। जी खुद देती है, सही है, पैसे हमें खरीदना पड़ता है। ग्लोबो ग्लोबो का 37 यूरोस का है और उसका 53 का है। यहाँ पे ये फिर सवाल वही आया जी लैंग्वेज की कितनी रिक्वायरमेंट है इस काम में, बिगिनर लेवल लैंग्वेज यूजर बी काम कर सकता है। जी जी बिल्कुल कर सकता है जी सर कर सकते हैं, उतार के अलावा कुछ नहीं आता, मैं कर रहा हूँ 1 साल से। सही है सर, आप कर सकते हैं और एक्टिविटी ओपन करना जरूरी है और आप ग्लोबो की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा जी, आई एम कमिंग फ्रॉम KSA विद फैमिली वैलिड वीजा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इजीली अवेलेबल। सर ये सबसे इजी तो यही है जो बता दिया, बगैर कार्ड के भी काम कर रहे हैं लोग। बोथ आई एम प्लानिंग टू मूव फ्रॉम दुबई, दुबई लाइसेंस होल्डर कैन ड्राइव कार और नो, ये भी बता दिया सर। नेक्स्ट ग्लोबो के लिए बैंक अकाउंट किसी का भी दे सकते हैं? नहीं अपना होना चाहिए इसके लिए। नहीं सर जी, ये आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, तो अकाउंट खुलवाने में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सबके अकाउंट खुल जाते हैं भले आपके पास कार्ड है या नहीं है। अगर बंदा मंथली 1200 यूरो कमाता है तो पेट्रोल खर्चा कितना होता है जी, ये बताएं जी। 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का नहीं जी, 10% आपका फ्यूल एक्सपेंसेस है। उमेर साहब आपका भी यही ख्याल है या इससे ज्यादा? हाँ जी तकरीबन इतना ही, बाइक पे इतना ही है। 100 यूरो पे जनाब बाइक के आपके 10 यूरो के एक्सपेंसेस हैं फ्यूल के। ऊबर ईट्स बाइक का मॉडल या गाड़ी के मॉडल की रिस्ट्रिक्शन है कि रिस्ट्रिक्शन मेरा ख्याल उन्होंने लिखा TVD में, तो 5 साल से पुरानी नहीं अप्रूव्ड है। हाँ जी इसमें बताएं जी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये 8 साल से पुरानी ना हो, 7 साल से पुरानी ना हो? नहीं नहीं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऊबर में नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन इंश्योरेंस होनी चाहिए बस। गुरजेता खुद मांग सकते हैं जी और टिप दियो जी, पीटीआई वाले लग रहा खुद मांग रहे हैं वो सियासी ग्रुप से प्रेस करे नहीं नहीं जो बुक करके ना आगे तो मांग लेना इन्होंने कहना नहीं 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 आप अगर वो जबरदस्ती कोई भी कहेंगे ऐसे तो या कंपलसरी कर देंगे तो वो कस्टमर के डिपेंड करता है ना, कस्टमर कंप्लेन कर देगा इसने मुझसे पैसे मांगे। आप कस्टमर के मूड पे देख ले भाई, ये तो कोई रीजनेबल चीज नहीं है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं ये तो कोई रीजनेबल चीज नहीं है ना कि आप किसी को बोलो कि टिप दो, ये तो अगले बंदे की है ना, आपकी सर्विस पे है, अगले बंदे पे है। छोटा सा बताता हूँ कि ना यानी एक नॉर्मल मिनिमम सी जो राइड आती है ना वो तकरीबन 2 किलोमीटर की होती है। सही है, 2 किलोमीटर की राइड के आपको 2.5 से 3 यूरो मिल जाते हैं कर कर जी। एवरेज जो है वो हर राइड की 3 यूरो आती है, मैं ये भी बता दूं आपको, हर आपकी ना छोटी और बड़ी राइड्स की मिला के अगर आपने कर ली है ना 25 राइडें कर ली हैं तो आपके 70-80 यूरो बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक राइड की 3 यूरो, 3 यूरो का मतलब है 600 रुपया पाकिस्तानी, 500 रुपया। ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर बाइक चलाने का आपको 500 रुपया मिल जाना है, तो फिर क्या जरूरत है इस तरह से टिप लेने की, या थोड़ा सा मतलब बेटर बंदा इंसान कर लेता है इन चीजों को ना। वो तो बिल्कुल देता है और काफी ज्यादा भी मिल जाती है, आपके UK वाले तो बहुत देते हैं, 20-20 यूरो तक मिल जाती है। सर मैं पुर्तगाल वाला हूँ, पुर्तगाल वाला हूँ, 7-8 साल लगे हैं पुर्तगेजी होते हुए भी मुझे UK वाला ना बनाए। और नेक्स्ट ये दोस्त पूछ रहे हैं जी अदील भाई, अगर ऊबर ड्राइवर ऊबर ईट्स भी चलाना चाहे तो क्या प्रोसीजर है? ये सर मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, और हाउ मच ऊबर कार नजर फैमिलियर साउंड माय रेजिडेंशियल एरिया सस्ता है। अच्छा जी वो अपने एरिया का बता रहे हैं जो किसी दोस्त ने पूछा था, वो बता रहे हैं जी नजारे आ जाए। बिल्कुल जी, दुनिया की सबसे बड़ी जो वेव सर्फ हुई है वो नजारे में हुई है जनाब। एक बाइक शेयर करके 12 आवर एज शिफ्ट में ग्लोबो ड्राइव कर सकते हैं? नहीं, वो शेयर करके मतलब शिफ्ट नहीं लगेगी ना, 12 से लेकर रात 12 बजे तक एक जो काम का टाइम है एवरेज अच्छा टाइम है जिसमें ज्यादा अच्छे पैसे बनते हैं। अब रात 12 बजे वाला जो है वो तो 20-25 यूरो ही बना पाएगा। ग्लोबो का काम दिन में ज्यादा, ऊपर का तो 24 घंटे है ना, ग्लोबो का दिन में ज्यादा, रात में कम।
सही है। पे डिपेंड करता है ना, स्टोर बंद हो जाते हैं 4 बजे के बाद तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अच्छा जी, ऊबर के ऑफिस वगैरह कब ओपन हो रहे हैं, कोई आइडिया है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन हो? मंडे से काफी उम्मीद है कि काफी सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। आई थिंक मंडे से उम्मीद है। अदील भाई मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया ग्लोवो का ना? ये जी 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 मुझे मिल गया, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और यहाँ पे कोई दोस्त है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जी कि आजकल टीवीडी ड्राइव करके 10 से 15 जो है इससे ज्यादा वो सेव नहीं कर पा रहे। जाहिर है जी COVID-19 की वजह से सब चीजें बंद हैं, लॉकडाउन, इमरजेंसी। लेकिन वो ओवर ईट कर रहे हैं ना, ओवर ईट में तो अच्छी इनकम हो रही है ना। सही है। अच्छा जी, ये दोस्त है कोई कॉल पे साथ आना चाहते हैं, मैं सर ये लिंक आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, या प्लीज यहाँ पे कैसे इसे कर सकते हैं, अगर कोई दोस्त यहाँ पे ये आपको जो मैंने लिंक भेजा उस्मान साहब या उमेर साहब, तो अगर ये फेसबुक के ग्रुप में जाके प्लीज आप शेयर कर दें, तो ये दोस्त कोई साथ आना चाह रहे हैं। यू आर डूइंग गुड जॉब उस्मान साहब और उमेर साहब और यूसुफ साहब, ये आपके लिए बड़ा अच्छा मैसेज आया है कि आप सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। कैन वी यूज कार फॉर डिलीवरी? जी सर बताइए, कार पे डिलीवरी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर जी, सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उम्र में तो अकाउंट भी खुल जाता है कार का अगर आपने खुलवाना हो तो। ऑफिस प्लीज कब ओपन हो रहे हैं जी? ऑफिसेज का कोई आइडिया है? फाइनेंसर्स सुग्रांसर सोशल, यही हमारे ऑफिसेज हैं, और तीसरा सेफ है, इसके अलावा चौथे ऑफिस का तो हमें नहीं पता, या वो जिसे लोजा सीधा दाऊ कहते हैं, तो ये कब ओपन हो रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें प्लीज। लोजा तो सीधा तो मेरे ख्याल 1 जून से ओपन कर रहे हैं सारी। प्लीज शेयर अ बिजनेस मॉडल ऑफ ऊबर ग्लोब, हाउ मच मनी वी नीड टू इन्वेस्ट इन कार्स एंड रेंट टू अदर ड्राइवर्स टू अर्न 5000 यूजर्स पर मंथ आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस? हाँ जी सर जी, बिजनेस मॉडल दें इनसे सर, आप अपॉइंटमेंट बनाएं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इनका नाम नहीं शो हो रहा, यहाँ पे हमें सिर्फ फेसबुक यूजर दिखाई दे रहा। तो ये जी उस्मान साहब से, उमेर साहब से, या ये यूसुफ साहब से कोई टाइम लेके तो इनसे कोई बिजनेस मॉडल डिसाइड कर ले। माशाल्लाह 5000 यूरो कमाना चाह रहे हैं जी वो महीने का पुर्तगाल में, तो आप इन्हें बताएं जी, कोई है कोई अभी, या मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? अगर मेहनत करें तो 3000 यूरो तो निकल आता है, ऊपर इसमें भी निकल आता है। नहीं सर, वो बिजनेस मॉडल मेरा ख्याल है वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मैं दिल भाई वैसे कहता हूँ, मेरा पता नहीं आप इस चीज से करेंगे एग्री या नहीं करेंगे, पुर्तगाल जॉब्स के लिए नहीं है, पुर्तगाल बिजनेस के लिए है। मैंने नहीं देखा यहाँ पे कोई बंदा बिजनेस किया और उसने कहा कि मैं राजी नहीं हूँ। जॉब्स वाले तो बंदे हमारे दोस्त यार तंग हो रहे हैं बेचारे, काफी नजर आ रहे हैं। तो ये जो आप ऊबर ईट्स या ये ऊबर ड्राइवर टीवीडी वगैरह ड्राइवर जो है, इसको आप बिजनेस में गिनते हैं या इसको आप जॉब में गिनते हैं? डिपेंड करता है, अगर तो आप सारा काम अपने पैसे से कर रहे हैं, अगर आप अपने पैसे से गाड़ी या बाइक ले रहे हैं, अगर आप अपने पैसे से सारा स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, किसी को बीच में से कुछ नहीं देना, फिर तो ये बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी गाड़ी लेके खुद ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आपने मुझे भी चलाना है, बीच में सारा मैनेज करना है, फिर वो बिजनेस नहीं रहा, फिर वो जॉब ही हो गई है। ये जी कोई ब्राजील में है, वो कह रहे हैं उनके पास पासपोर्ट हो तो वो सेटल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आप सेटल हो सकते हैं, आपके लिए काफी नरमी है यहाँ पे, ब्राजीली तो छाए हुए हैं यहाँ पे पुर्तगाल में, सारा ब्राजील से ऑलरेडी इतने तुसी उथे की कर रहे हो। ऊबर ईट क्रिमिनल जरूरी है जी? जी बहुत जरूरी है जी, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है जी, उसके बाद ये क्रिमिनल के बगैर आप उसके बगैर अकाउंट ही नहीं खोलता जी, अकाउंट नहीं आप रजिस्टर कर सकते। Can we drive right hand car for any customer service? नहीं सर अनीक अहमद साहब, जर्मनी टू लिस्बन एंटर हो सकते हैं? हैं? मध्यबाद हो सकते हैं। सर ये जर्मनी से बिल्कुल फ्लाइट्स वगैरह आ रही हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। पर बिजनेस मॉडल एंड फिजिबिलिटी फॉर ऊबर कॉन्टेक्ट इन मैसेंजर। अच्छा जी, सलाम भाई, कैन यू अरेंज ए प्रोग्राम विद अ स्मॉल बिजनेसमैन? कासिम सुल्तान साहब, ये मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, और वो दोस्त अभी मौजूद हैं, और उनमें से ही कुछ दोस्तों की मेहरबानी है जिन्होंने ये उमेर साहब को हमारे लिए इधर हाजिर किया हुआ है, तो ये कुछ जाने अनजाने दोस्तों की मेहरबानी है। ये आईने के सामने कुछ और नजर आ रहा है और आईने के पीछे कुछ और है,
उनकी ही मेहरबानी है, इंशाल्लाह वो फिर मजीद भी हमें आके मजीद मालूमात देंगे। और हाउ अबाउट द क्वालिटी एंड रिकग्निशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पुर्तगाल, आई प्लानिंग टू कम लिस्बन डॉक्टरल स्टडी इन दिस ईयर। ये सर हमारा वो स्टूडेंट के साथ एक सेशन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स के साथ और प्रोफेसर साहब के साथ, वो आप देख लें तो आपको काफी मुफीद मालूमात मिलेंगी आपके लिए। डू वी नीड टीआर फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन ऊबर, और डू वी स्टार्ट वर्किंग ऑन ऊबर सून आफ्टर लीगल एंट्री एंड ओपन अप एन एक्टिविटी। ये जी लीगल एंट्री से कोई फर्क पड़ता है ये ऊबर या ग्लव, ये जो इनकी इसका कुछ लेना नहीं देना? नहीं तो रेजिडेंस कार्ड टीआर लाजमी है। ऊबर में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते ना कार्ड के बगैर, रेजिडेंस कार्ड के पहले आप ऊबर में नहीं कर की सकते। ड्राइवर की बात करते हैं, ऊबर ईट्स की या ग्लोवो की नहीं कर रहे आप? नो सेम है, ऊबर ईट और ऊबर जो है ना सेम, उसमें आप रेजिडेंस कार्ड के बगैर नहीं कर सकते। यानी ग्लोवो में ये ऑप्शन है? जी सही है, हाँ जी ग्लोवो में है जी ऑप्शन। We are waiting for first residence. We have UK license. What will be procedure to start Glovo and it will effective residence card? ये जनाब we are waiting for, we have UK license. तो ये procedure तो सर हमने सारा बता दिया। Good information. Thank you, Mr. उस्मान साहब, यूसुफ साहब और उमेर साहब। रोड्स पर पुलिस मोटर बाइक के पेपर्स, रेजिडेंस कार्ड और बाइक की इंश्योरेंस के पेपर्स चेक करती है, ये बताइए जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, मैं 2 दफा चेक हुआ हूँ जी, बिल्कुल चेक करती है करते हैं, लेकिन बहुत शाज़ो नादर, ये नहीं कि मतलब ये कितने टाइम में हुए हैं यानी? मैं 1 साल में 2 दफा चेक हुआ हूँ। अच्छा जी, और एक एक दफा तो मतलब जो मैं चेक हूँ, मुझे लगता है जो मैंने फील किया कि मैं वो एक राउंड अबाउट पे खड़ा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने टर्न कहाँ लेना है, मैं सोच रहा था, तो वो उन्होंने मुझे समझा कि मतलब हरकत है कोई ऐसी वैसी, इस वजह से चेक हूँ। दूसरा जो वो बिल्कुल वो चेक ही पेपर कर रहे थे, वो सिर्फ रोक रहे थे और स्पेशली ऊबर को चेक कर रहे थे और किसी को नहीं, कह रहे थे मतलब पेपर चेक करवाओ बस और कुछ नहीं। ये आप 2 साल में 2 दफा चेक हुए हैं ये बता रहे हैं आप? जी उमेर साहब आप? जी मैं तो इधर लिस्बन में 3 4 दफा चेक हुआ हूँ इधर, क्योंकि ज्यादा उबर ईट को इसलिए रोकते हैं कि जो ब्राजीलियन काम कर रहे हैं ना, उनके पास कई के पास लाइसेंस ही नहीं होता, उस वजह से ज्यादा रोकते हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं, रोकते बिल्कुल। हैं अच्छा रेजिडेंस मुझे ये थोड़ा सा ये कार्ड प्लीज बताइए, आप लोग इंश्योरेंस। क्योंकि काम करते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है, ये कोई ये ग्लोवो की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आती है या उबर ईट्स की तरफ से? ये अक्सर मैंने देखा है वो साइकिल पे आते हैं जनाब, वो कटे शटे मारते हैं, तो ये कोई आपके वो काम का कोई वो उसमें लिखा होता है कि जी आपने ये गाड़ी को कट भी मारनी है, और बड़ी वो एकदम से कहीं इशारे पे एकदम से आगे आके आपने अपनी बाइसिकल पे ऐसे खड़े हो जाना है या? वो ये होता है कि काम का टाइम होता है जल्दी ना, जैसे मतलब अब 7 से 10 3 घंटे टाइम है, तो हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी कमा लें, ये 3 घंटे में हम ज्यादा कमा लें, उसके बाद राइड तो शाजो नादर मिलनी है, कम मिलनी है, ये होता है और कुछ नहीं। सर मोटरसाइकिल की भी हमें इंश्योरेंस करवाना होगी क्या? अगर करवानी है तो रेंट वाली बाइक की इंश्योरेंस का क्या मेथड है जी प्लीज? वो इसमें इस तरह से होता है कि रेंट वाली बाइक की अगर इंश्योरेंस कंपनी की होती है, जिधर से आप रेंट पे लेते हैं ना उसी की इंश्योरेंस वो करवा के देते हैं। ऑयल चेंज सही है वगैरह मेंटेनेंस सारी कंपनी की होती है, बाकी जो आपने अगर वो कोई एक्सीडेंट उसका सर्विस कर दिया तो इंश्योरेंस वो आपने देना है उसका। सही है। फाइनेंस ऑफिस एंड लोजा सीधा दाऊं कब खुलेंगे जी जनाब? फाइनेंस फर्स्ट ऑफ ऑफिस ओपन है, फाइनेंसिस ऑफिस ओपन है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है तो, और वो तो ऐसे ही रहेगा काफी अब लंबा अरसा, लेकिन लो ज्यादा सीधा दाओ की भी अपॉइंटमेंट है, वो भी फिर आपको फर्स्ट से ओपन कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। सर नो मैटर इट्स ईयू लाइसेंस और यूके, वी ओनली हैव टाइम फ्रेम, यू नीड टू चेंज लाइसेंस आफ्टर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, यू हैव टू चेंज लाइसेंस अदरवाइज दिस इज फाइन। अच्छा जी, मे बी अदर प्रोग्राम आर पीटी बट माई PhD प्रोग्राम इज इन इंग्लिश। ये सर वो स्टडी के रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट करने पे हमारे केस फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, टाइम ज्यादा तो नहीं लगेगा नॉर्मल टाइम से जी? सर जी कोई है एक्सपीरियंस इसका? ये जी आर्टिकल 88 से अगर 89 की तरफ मूव करते हैं आप? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप आर्टिकल चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही लेट्स है से कि आप आज की तारीख तक आप अपना कर चुके थे, आर्टिकल 88 अप्लाई कर चुके थे, मेल का वेट हो रहा है, और कल से जो अब आप इस काम पे लग जाएंगे जाके, तो आप इसको एज अ सेकेंडरी जॉब शो करवा रख सकते हैं अपने पास। ठीक है,
लेकिन जो प्राइमरी आप जो है वो 88 वाली आपका फाइल अपलोड रहेगी, टैक्स आपका वहां से जाता रहेगा, इधर से ये आप इसको आप एज अ पार्ट टाइम शो कर सकते हैं। अच्छा चेंज ना जी, ये कीजिएगा, अगर आपका ये कि अब मैं 89 की फाइल अपलोड कर दूं तो फिर टाइम जाया हो जाएगा आपका सारा जितना आज तक का है, इसलिए इसको चेंज ना कीजिए। एजेंट माफिया के साथ क्या होना चाहिए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? इनको सर मारना चाहिए बिल्कुल, मारना चाहिए पुठे करके या सीधे? भाई ऐसी ऐसी कहानी है बंदों की, मतलब आपने तो ज्यादा ही सुनी होंगी, रोना आ जाता है सुन के, जो जिस तरह से वो कहते चले, इसके अलग हैं प्रोग्राम रखेंगे। मोहम्मद अली साहब आपको लेंगे लाइन पे और आपसे पूछेंगे कि एजेंट माफिया ने आपको कितना सताया। नेक्स्स्ट, कासिम सुल्तान साहब, रेंज प्रोग्राम, स्मॉल बिजनेसमैन प्लीज। जी बिल्कुल कासिम साहब, आपको बता दिया। आई हैव अ बिजनेस मॉडल। कार कितने तक अच्छी आ जाती है जी? ग्लोवो कैसी है जी? कार कितने तक आ जाती है जी, अगर आपने ग्लोवो वगैरह ऐप पे काम करना है तो? कार जो है ग्लोबो पे अगर डिलीवरी का काम करना है तो आप 1,000 से लेके बेशक 10,000 तक, जैसी आपकी इजाजत है जेब में सकती है वैसी ले और लें। अगर टीवीडी आपने टीवीडी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी की, वो पूरी करनी जरूरी है आपकी, तो आप अगर ऊबर पे टीवीडी का ऊबर प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आपकी जो कार है वो पुरानी 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, और उसकी सिटिंग कैपेसिटी 5 कम से कम होनी चाहिए, और उसमें जो मॉडल्स भी हैं वो भी स्पेसिफाइड है, तो वो कम से कम वो जो शुरू होती हैं वो 11 से 12 हज़ार शुरू होती है उनकी प्राइस। अच्छा, ये यहाँ पे ये आमिर सुहेल साहब है, उन्होंने लिखा जी रेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं? ये पिछले काफी दिनों से मैं अपने ग्रुप में भी देख रहा था, तो कुछ दोस्तों ने यहाँ पे लिखा था जी के ऊबर की आईडी चाहिए या ऊबर ईट्स की आईडी मिल जाएगी, तो ये कोई इस तरह का भी कोई सिस्टम है? ये लीगली है, इलीगल है, ये थोड़ा बता दें जरा। ब्राजीलियंस की इजाद है ये चीज, ठीक है, वो ब्राजीलियंस तो इतने यहाँ पे मौजूद हैं, वो अब उनका कोई ना कोई कजन कुजन जो अच्छी जॉब पे लगा हुआ है वो उसके नाम पे अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और वो रेंट पे यूज करते रहते हैं। ऊबर ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, उन्होंने फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन डाला है, अक्सर वो किसी भी टाइम आपको कह देते हैं कि आप अपनी पिक्चर खींच के भेजें, ठीक है, तो उस पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। ये मतलब इंतहाई यानी कि इमरजेंसी की बेस पे, तो ये आपने अगर अपने रिस्क पे करना है तो मैं नहीं कहता करें, तो अगर लेकिन आपको पुलिस चेक कर ले तो फिर? पुलिस का इसके साथ लिंक नहीं है, टू बी अच्छा, फ्रैंक पुलिस ने आपसे नहीं पूछना कि आपका ऊबर का अकाउंट आपके नाम पे है या नहीं है, पुलिस ने आपसे पूछना है बाइक की इंश्योरेंस है, बाइक चलाने के आप ऑथराइज हैं, अगर बाइक आपके अपने नाम पे नहीं है तो अथॉरिटी लेटर आपके पास है, अगर आपके पास लाइसेंस पाकिस्तान का है तो आप वैलिडेट पीरियड में चला रहे हो या नहीं चला रहे, या यूनियन का लाइसेंस, पुलिस ने आपसे ये चीजें चेक करनी है। ये अलग बात है, आप किसी को डिलीवरी देने जाए तो वो अपना लाकर ऐसे जो निकले वो कह भी हाँ भाई तू कौन है फोटो के और बंदे भी आ रही है। अच्छा सर, ये उमेर साहब जो हैं उनके तो काम का टाइम है। मैं तो उमेर साहब, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने अपने चलते काम में स्टॉप करके तो आप हमारे इधर आके जनाब ये सारा तफसील हमें बता रहे हैं, तो आपका सर बहुत 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 शुक्रिया। तो आप प्लीज अपना काम करें, तो हमारे साथ ये नहीं उस्मान साहब भाईजान, बैठे थैंक यू हैं। वेरी मच, आपका आपने मौका दिया हमें बात करने का, तो थैंक यू वेरी मच आपका अगेन। सर ये आपके लिए जरूर है, तो नो नो सर, थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच भाई, आपके लिए करेंगे। मेरे ज्यादा उस्मान भाई के लिए, उन्होंने अपने कीमती टाइम से वक्त गुजर निकाला है, नहीं, इंशाल्लाह बहुत तो शुक्रिया आपका। बाकी और भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कर सकता है रब्ता, इसमें कोई जी जी बात बिल्कुल नहीं, सर, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। जो हो सका इंशाल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह, क्यों और नहीं। जिस दोस्त ने आपको भेजा इधर, उनका भी दिल से जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनका वो ज्यादा भैया, उनका बहुत सुन ज्यादा भी है, रहे हाँ हैं और आप भी जरा प्लीज सुन रहे उन्हें कह होंगे दीजिएगा। इंशाल्लाह, मुझे पता है। चले चलें, बहुत शुक्रिया सर, आप अपना काम करें, हम मजीद काम ठीक है करते भैया, हैं इमरान थैंक यू साहब वेरी के मच साथ, सर, साहब के साथ। ओके ओके, लाफिज, ओके ओके। सर, ओके, लाफिज। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं जी, रेंट अकाउंट तो हो गया, मैं चाहता हूँ ये जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन जो है ये फिनिश कर लें। भाई एक बंदा न्यू आए पुर्तगाल, तो वो ग्लोवो पे काम करके फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड ले सकता है, और सिर्फ ग्लोवो फुल टाइम काम करके कितने अर्न कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें जल्दी जल्दी जरा आप।
दिल भाई, वो जैसे फुरकान भाई ने पूरा तरीका लिखा हुआ है आर्टिकल एक्टिविटी पे रेजिडेंस अप्लाई करने का, तो वो ये सारा ये उसी पे उसी की बेस पे है। आर्टिकल 89 अप्लाई करें, एक्टिविटी ओपन कराएं, अपना ग्लोबो में अकाउंट करके काम करते रहें, इनकम शो अभी करें। अब आर्टिकल 89 तो बड़ा बदनाम आर्टिकल है जी, उसमें तो कार्ड ही नहीं आता, सदियां गुजर जाती हैं। पता नहीं उसका कुछ लोगों को गुस्सा लगे या ना लगे, वो बेसिकली वो एजेंटों ने बदनाम किया है जी, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं, वो एक लंबा टॉपिक है, उस पर आप चैलेंज कर लें किसी से भी 89 पे एक्टिविटी बेस पे, तो उसकी आईडी आ पर मैंने तो बहुत जाएगी। सारे देखे इधर, लोग वो कहते हैं जी हम जी, यानी ये सिर्फ हमारे दरमियान में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है जी, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए तो जनाब वो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ज्यादातर अगर आप रूटीन में देखें जो जनरली बंदे काम कर रहे हैं, जो सही बंदे काम कर रहे हैं, वो आपको आर्टिकल 89 में ज्यादा नजर आएंगे। ऐसे ही स्पेशली ये जो लोग काबो वेर्ड से आ रहे हैं, ब्राजील से आ रहे हैं, ये आते ही अपना काम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कुछ तो जॉब करते हैं और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैं दिल भाई इसका एक सिंपल सा ना आपको एक सवाल बताता हूँ कि पाकिस्तानी या इंडियन जिन्होंने ये जंटी बदनाम की, ये सारी ये कितने हैं यहाँ पे, कोई आइडिया है आपके पास पुर्तगाल में कितने होंगे? नहीं, ये सर इस पे एक अलग सेशन होना चाहिए। देखें थोड़ा सा मुझे एक बता दें, मैं आपको अगला क्वेश्चन, एक छोटी सी बात है ठीक है। ये जी 1 लाख होंगे यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। और ब्राजीलियन जो है वो इतने ज्यादा है यहाँ पे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने और बेचने लग गए ना, तो यहाँ पे तो हर दूसरी चीज ही कॉन्ट्रैक्ट बिक्री होगी ना। तो सही है। वो लोग करते ही, ब्राजीलियन सारे इसी बेस पे हैं, वो 89 अप्लाई करते हैं आते ही अपना। देखें जी पहले दिन से इस ग्रुप को बनाने का मकसद, यहाँ पे आप दोस्तों को भी आप इनवाइट करने का मकसद, यहाँ पे लाइव ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खुद काम करने को यहाँ पे जनरली, यानी आप काम करके अपना रेजिडेंस का प्रोसेस जो है आप पैसे भी कमाएं और साथ में आप अब यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड भी लें, तो ये सारी चीजें करने का यही मकसद है, ये ग्रुप बनाने का मकसद यही है। लोगों के लिए जॉब्स अगर आपको बंदा चाहिए या बंदे को काम चाहिए, किसी किस्म बिल्कुल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो ये सारा उसी का सिलसिला है। तो हम तो सर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो आगे सर ये पूछ रहे हैं जी, नाउ डेज कैन वी लॉक द फाइल, बताएं जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ये फाइल वगैरह तो सर ऑनलाइन लॉक होती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं वहां पे। शो एंड करने से पहले चैट की समरी कर दें ताकि लोग मिड में ज्वाइन किया है उनको सब क्लियर हो जाए। ये सर यहाँ पे ही रह जानी है इसी ग्रुप में, तो आप शुरू से दोबारा देख सकते हैं। चैट की समरी यही है, कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो कम पैसों से या बगैर पैसों के कौन से ऐसे काम है, भले उनके पास कार्ड है या नहीं। तो ये हमारा आज के सेशन का ये मकसद है, जिसमें ये ऊबर ईट्स है, जिसमें ग्लोबो की ऐप है, और इसके अलावा अगर आप टीवीडी ड्राइवर एज ए ड्राइवर वो रेजिडेंस के बाद ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, तो उस ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि सभी जो भी यहाँ पे नए आने वाले हैं या जो पहले से हैं उनको ये भी, उनके लिए जेरे गौर हो कि ये भी एक काम है। और ये माशाल्लाह दोस्त बता रहे हैं कि इसमें आप तकरीबन 1,000 यूरो से भी ऊपर मंथली आप पुर्तगाल में रहते हुए कमा सकते हैं। तो ये जनाब आज की हमारी समरी है। सर ये टैक्सी या ऊबर हाउ मच, ये पता नहीं सर आपने लिखा क्या है। नेक्स्ट सर मैंने पीडीएफ वाली रेजिडेंस पिक्चर डाली थी आईडी में, लेकिन अब शो नहीं होती फ्रंट साइड या बैक साइड की एडिट हुई है, अब उसको कैसे चेक करूं, थैंक्स। जी सर जी बताइए, उन्होंने पीडीएफ पिक्चर डाल दी है, इसका कोई हल नहीं, है? अब जब लॉगिन करेंगे अगर वो एक्सेप्ट हो गई है तो शो नहीं हो रही, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आप उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन है अपने मोबाइल से पिक्चर खींच के अपलोड करें, पीडीएफ या इन चक्कर में पड़ेंगे वो ऊबर वाले डिले कर देते हैं, वो इन चीज़ों को वो खुद कहते हैं कि आप कैमरे से पिक्चर खींचें मोबाइल ग्लोवो में आप कितने पैसे के। बना सकते हैं और ऊबर ईट्स में कितने बना सकते हैं जी? सर 8 आवर्स जॉब अगर आप करते हैं, जिस तरह एक आप मेहनत वैसे ही करनी है जैसे आप किसी होटल में किचन में काम करके कर रहे हैं, तो आप आराम से 1200, 1000 या 1200 यूरो से प्लस आराम से सारे खर्चे निकाल के। अब खर्चे आपने वो नहीं डाल लेने जो रात को घर आके, घर के खर्चे नहीं, मतलब जो काम के खर्चे हैं वो निकाल के आप तो सर। एक एक मैंने ये फेसबुक पे वीडियो देखी थी, वो कोई डिलीवरी ड्राइवर था ये फूड की डिलीवरी का, तो वो जनाब वो पता नहीं वो चावल थे क्या थे, वो डब्बे से निकाल निकाल के 2-4 चम्मच खाई जा रहा था सब में। तो ये भी पॉसिबल है, इसमें कर सकते हैं ये?
अगर भूख लग जाए ज्यादा। ऐसा यहाँ पे चांस नहीं है। एक तो सील लगी होती है, ठीक है, और दूसरा ऐसी हरकत करने की जरूरत ही क्या है, और तीसरा ये यहाँ पर आपको डेली में 2 से 3 डिलीवरियां वैसे भी बच जाती हैं, कस्टमर लेने नहीं आता, आपको सही पता है है ड्रंक होकर सो जाते हैं तो लेने नहीं आता, 3-4 वैसे ही बच जाती हैं। सही है। एज ए सेकेंडरी जॉब कैसे अप्लाई करते हैं ये जी? बस नॉर्मल आपने रजिस्ट्रेशन ही करनी है मेरा ख्याल है, कोई इसमें कोई एज ए जॉब तो नहीं है वो, आपने कोई सेकेंडरी हो या पहली जॉब हो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई डिड यू एस्केप माय क्वेश्चन सर, कौन सा एस्केप हो गया? आप प्लीज दोबारा पेस्ट कर दें जल्दी से, हम तो स्टेप बाय स्टेप सबके जवाब दे रहे हैं। कैन वी लॉक द फाइल नाउ डेज? आई हैव रिलेटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। Exactly, I agreed with you for 89 due to agent mafia. It's general perception that self-employed is difficult to get card. बिल्कुल जनाब, ये आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, उबर के लिए जस्ट बाइक इंश्योरेंस होनी चाहिए या फूड इंश्योरेंस भी होती है कोई बताएं जी? नहीं, सिर्फ बाइक इंश्योरेंस होनी चाहिए। I have driving license and I want to work in Uber, but I don't know how can you guide me. How can you guide me or how you can guide us? ये आप जरा पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चले जाएं, एक घंटा पहले तो यही बात हो रही थी तो। जी सर, आप प्लीज शुरू से हमारा ये वीडियो देख लें, अभी ये बस तकरीबन खत्म करने लगे। 89 पे एक्टिविटी ओपन करके ग्लोबो पे फुल काम करके कितने टाइम में फर्स्ट कार्ड आ जाता है? देखें मैं इस बात का जवाब देता हूं, देखें कार्ड का इससे आपके काम से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। कार्ड का एक अलग से प्रोसेस है, वो रेजिडेंस का जो भी आपका प्रोसेस है वो सेफ में है, वहां पे आपने अपनी फाइल लॉक की है, उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, आप लीगली आए हैं इलीगल आए हैं, कितने टैक्सीज रिक्वायर्ड है, तो ये सारे उससे कनेक्टेड है। और बाकी ग्लोवो पे या उबर ईट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो इसमें तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जी आप इतने पैसे बना सकते हैं मोर और लेस, वो भी कोई इसमें जाहिर है एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। और नेक्स्ट जनाब सनी विलियम, जो न्यू कमर्स हैं जिनके पास उबर रेजिडेंस कार्ड नहीं है वो कर सकते हैं? जी उबर नहीं कर सकते जिनके पास उबर, हाँ जी उबर नहीं कर सकते, ग्लोवो कर सकते हैं ये भी बता दिया इन्होंने। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपका भी शुक्रिया। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे काम हो सकता है? जी सर जी उस्मान साहब, लाइसेंस कोई भी मैंने आपको बताया वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, आप कर सकते हैं ड्राइव उस पे, और उसके बाद जो है वो नहीं कर सकते। ब्रदर मेरे पास सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस है बट सऊदी अरेबिया NOC नहीं देता, क्या करूं? दसो जी। एक सॉरी, मेरे यहाँ पे एक दोस्त के साथ प्रॉब्लम हुआ था ये वाला, सऊदी एम्बेसी से एक लेटर इशू करवा लिया था, उसके ऊपर वो लिख के दे देते हैं, वो फिर ये मान लेते हैं। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है सऊदी वाले लोगों का, IMT वाले जो है वो फिर वो एम्बेसी सऊदीया की एम्बेसी पोर्चुगल में जो है वो एक लेटर इशू करके देते हैं, उस लेटर की बेस पे फिर आपका काम हो जाए। सही है। अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेट वर्क हमारे पीछे वाले भाई थक गए हैं रोजा भाई रोजा खोलना है। राणा साहब थक गए ना जी, देखें जी थकना तो है ही, 1 घंटा 37 मिनट हो गए हैं लाइव आए, उनकी बड़ी मेहरबानी। ग्लोबो के लिए सुना है पोर्टुगीज लैंग्वेज मस्ट है, ऊबर हो सकती है सिर्फ, इज दैट ट्रू? जी जनाब बताइए। वो बात हो रही थी कि पहले जरूरी थी लैंग्वेज, क्योंकि आपको ऑफिस जाना पड़ता था तो वो ऑफिस वाले कह देते थे कि आप तो पोर्चुगीज नहीं बोलते, लेकिन अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया सारा, स्पेन से अकाउंट ओपन होता है आपका सारा, तो वो घर पे ही आपको बैग आ जाता है, एक्टिवेशन कोड आ जाता है, सारा कुछ घर पे ही आ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, बैग भी घर पे आ जाता है, तो अब प्रॉब्लम नहीं है कोई। चलें जी, ये मेरा ख्याल काफी सारे सवाल हो गए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सवाल हो या कोई ऐसी कंफ्यूजन, मैक्सिमम कोशिश किया कि आप सब दोस्तों का इस हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाए कि ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं ये कैसे काम करती हैं, या TVD ड्राइवर जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो उस्मान साहब हमें पोर्टो का थोड़ा बताएं जनाब, पोर्टो के कैसे हालात चल रहे हैं, बाहर कोई एक्टिविटी वगैरह बिजी हो गया आपका सिटी या क्या सूरत हाल है वहाँ पे? आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ जा रहा है जी, लेकिन इसको नॉर्मल नहीं, न्यू नॉर्मल कहा जा सकता है, अब ये जो लाइफ है यही न्यू नॉर्मल होनी है हमारी, बस इनमें अपना आप सब लोग भी एहतियात करें,
मास्क पहने, ग्लव्स पहने, मतलब हम लोग कोई स्पेशल नहीं है कि हमें ये वबा नहीं लग सकती, हमें भी लग सकती है। और हम मैंने देखा है कि हम लोग ज़्यादा एहतियात नहीं करते, तो हमें करनी चाहिए ताकि जो है वो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी काम ठीक हो जाएंगे ऐसा ऐसा, सितंबर तक मैक्सिमम जो है ये लोग रूटीन पे आ जाएंगे सारे। देखें जी, अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से देखें तो देखने में यही आ रहा है, 1 जून या 15 जून के बाद जी काफी सारे जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे भी ये लॉकडाउन वगैरह खत्म कर खत्म रहे हैं, हो और देखने में यही आ रहा है कि शायद अब हमें अपनी जिंदगी को कोरोना के साथ साथ ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जी। और हु कैन आई अप्लाई माई पोर्चुगीज आई डी कार्ड इन दीज डेज, हाउ कैन आई अप्लाई माई पोर्चुगीज आई डी कार्ड, ये सर आप अगर पोर्टुगीज आईडी कार्ड की अगर आप करता हूं तो सीधा दांव की बात कर रहे हैं तो फिर आप ईआरएन से कांटेक्ट करें, वही आपको बता सकते हैं। ग्लोवो जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है जी जॉब की? वकार साहब आप, मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम शुरू से देख लें, अब हमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि आपको फिर से ये सारा बताएं, तो वो ज्यादा इजी आपके लिए भी रहेगा क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप सारा उसमें हमने इंफॉर्मेशन दी है, और राणा साहब की हालत काफी सीरियस होती जा रही है जो जो अफतारी का टाइम आ रहा है। विदाउट रेजिडेंस कार्ड कैन अप्लाई फॉर योर ओन ऊबर और ग्लोवो आईडी और नीड टू पे समवन वीकली फॉर आईडी रेंट, लास्ट क्वेश्चन, थैंक्स, गुड गुड वर्क। इसका भी जवाब दे चुके हैं। आप रेंट पे बिल्कुल कोई भी आईडी ना लें, उसकी आपकी बाद में जब आपका वो कंप्लेन होगी तो आपका अपना अकाउंट बनने में भी मुश्किल आएगी। रेंट पे आईडी ना लें, ठीक है, आप अपनी आईडी बना लें। ग्लोवो की आईडी विदाउट रेजिडेंट कार्ड आपके पाकिस्तान के पासपोर्ट पे बनती है, तो आप वो बनाएं। शुरू में काम आपको जरा कम मिलेगा इस चीज का है कि वो तो आप बेशक रेजिडेंट कार्ड भी आपके पास है तो आप आईडी जब भी आप ग्लोवो की नहीं बनाएंगे तो वो आपको पहले 1 आवर देंगे डेली का, फिर वीकेंड पे 2 करेंगे, फिर ऐसे ऐसे 3 आवर, ऐसा ऐसा वो आपको जो है वो रेगुलर कर देंगे। ठीक है, तो इस वो एक उनका नॉर्मल तरीका है। वो आपके पैसे आपको वो कैश उन्होंने देते रहने हैं, साथ की साथ उनकी एक पूरी कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है काम करने की, तो वो आप करते जाएंगे। पूरी अच्छी सैलरी एंड ऑफ द डे ग्लोबो वाले जो हैं वो गारंटी करते हैं, 1,000-1,100 की मंथली इनवाइस आप करते हैं उनको, तो जबरदस्त है। आप अगर मेहनत करते हैं डे वन तो कोई बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं होता, आप उसको खुद अपनी मेहनत से अच्छा बनाते हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे समझ आती जाएगी, अर्निंग बढ़ती जाएगी। आप सर 2 महीने तुम कर लिया, तुम साढ़े तो वे उस्ताद ना। वो तो जनाब हम उस्तादों के भी उस्ताद हैं, ये तो है। अच्छा जी, ये प्लीज सजेस्ट एनी सुटेबल बिजनेस आइडिया इन पुर्तगाल, इन्वेस्टमेंट रेंज 5 to 10 के। उमेर फरीदी जी, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम ऑलरेडी प्लान्ड है, 5 से 10 हजार में। इसमें मैं थोड़ा सा इनको ऐड कर देता हूँ, ये इसी में ये कर लेना, बाइक्स वगैरह का अगर उधर लिस्बन में या कहीं भी ये कर लें तो अपने बंदों की ये मदद भी कर सकते हैं, अपने लोगों को ये देंगे, जुबान की भी जरूरत नहीं है। अब रेंट पे दें, बाइक्स का कर लें, इनकी भी इनकम बन जाएगी इनको, ना उसके लिए ना इनको रेजिडेंट कार्ड होने की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। अच्छी बाइक लेके किराए पे दे दें, उनसे थोड़ा सा इनका भी हेल्प हो जाएगी और अगला बंदा भी पाकिस्तानी। ज्यादातर लड़कों का ना इस टाइम हमारे पास जो मुझसे भी कांटेक्ट अलावा भी करते हैं वो यही है कि इस में बाइक बाइक, तो वो बाइक का बड़ा प्रॉब्लम है, बाइक जो है वो मिलती नहीं है। पुर्तगीज लोग बड़े नखरे करते हैं, गारंटी लेके आओ, ये करो वो करो, ठीक है। तो अगर इफ वन हेल्प्स के अदर, तो एक बंदा जो है वो ऊपर ईट या ग्लोवो चला सकता है तो दूसरा उसको किराए पे बाइक दे सकता है, दोनों का विन विन सिचुएशन बन सकती है। चले जी, ये बहुत अच्छी सजेशन दी है आपने उमेर फरीदी साहब, आपने सुन लिया, आपके पास ये भी ऑप्शन है, और ये 5 से 10 हजार में हम कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमें फिर से देखेंगे कुछ नई सजेशंस के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज का हमारा प्रोग्राम आपको, रेंट बता दें जी इन्हें, ये कौन साहब है, फरीदी साहब, आपको कितने पैसे मिलते हैं ये रेंट के? ये तकरीबन बाइक जो है वो 200 यूरो पर मंथ पे मिल जाती है, या 50 यूरो पर वीक पे, और उस पे कॉस्ट जो है वो 25 यूरो आती है आपकी मंथली इंश्योरेंस की, जो आपका रेगुलर एक्सपेंस है, या उससे सस्ती भी मिल जाती है इंश्योरेंस, तो वो आपके चलता रहेगा इस तरह से आपको। राइट,
बहुत शुक्रिया उस्मान चौधरी साहब आपका, बहुत शुक्रिया यूसुफ बख्तियार साहब आपका। तो आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगा और तमाम दोस्त जो हमें लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके ये माशाल्लाह इतने ढेर सारे जो लोग देख रहे हैं, अगर आपके किसी के जहन में कोई भी इस तरह का ऐसा मशवरा, इस तरह का कोई ऐसा काम, इस तरह की कोई ऐसी जॉब जो आप समझते हैं कि वो भी की जा सकती है जिससे किसी भी बेरोजगार को रोजगार मुहैया हो सके, तो प्लीज अपने आइडियाज से हमें लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।